इसमें से नेटवर्क का इश्यू आ गया है। एक सेकेंड जी। जैसा कि मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आज के ये जो चर्चा है, इस चर्चा के विषय में थोड़ा सा आप लोग ये मेरा सहयोग करेंगे कि एक तो इन प्रश्नों को पुनः परिभाषित करें, क्योंकि ये प्रश्न कुछ इस तरह से बने हैं जहाँ पर मुझे खुद थोड़े से स्पष्टता नहीं हो रही। तो जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर उन्हें लगता है कि इन प्रश्नों को हमें दोबारा से रीफ्रेम करना है, रीस्ट्रक्चर करना है या किसी और तरीके से इस प्रश्नों को हमें समझना है, तो उसको ज़रूर वो परिभाषित करें और फिर उसके बाद हम उनके जो उत्तर हैं, उसकी जो डायमेंशंस हैं, उसके विषय में हम चर्चा को अग्रसर करेंगे। तो जितनी मुझे समझ में आई बात उतनी मैं आपसे साझा कर लेता हूँ और उसके बाद हमारे साथ आज के मुख्य वक्ता जुड़े हुए हैं और फिर उनसे हम निवेदन करेंगे और फिर उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। विषय में जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि अथातो मृत्यु जिज्ञासा, और ये मेरे अपने कोई शब्द नहीं है, ये आपको अपनी परंपरा से मिल जाते हैं। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वहाँ से है, केवल मृत्यु शब्द को इसमें एड अप कर दिया। और इस मृत्यु जिज्ञासा को जो लोग संस्कृत के पक्ष से नहीं है या संस्कृत के बैकग्राउंड से नहीं है, उसके लिए ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि अथातो मृत्यु जिज्ञासा जब आप शब्द प्रयोग करते हैं तो अर्थ का मतलब है कि आपने कुछ पहले आपने क्वालिफाइड कर रखा है, आपने कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं, और जब उसको आप जान लेते हैं तो उसके बाद एक भाव भूमिका के बाद आप मृत्यु के प्रति जिज्ञासा करने के योग्य बनते हैं। तो यानी कि एक प्लेटफॉर्म जब आप तैयार कर लेते हैं तो अथ शब्द का वो अर्थ है यहाँ पे। तो अथ यानी कि वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर खड़े होकर के उसके बाद आप मृत्यु के प्रति जिज्ञासा का भाव रख सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में इसको जब आप अनुवाद करेंगे तो देन देयर फोर द इंक्वायरी इनटू मृत्यु। अब दूसरी बात जब आप देखते हैं तो आपको मृत्यु को लेकर के जो भी आपका आइडिया हो, लेकिन मैं अभी शास्त्रीय पक्ष की ओर जाना चाहता हूँ थोड़ा सा और वहीं से प्रश्नों को उठाना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद हम विज्ञान में क्या कहते हैं और बाकी सब जगह क्या उसके विषय में बातें कही गई हैं उसको देखेंगे। जो निरुक्त है, यास का निरुक्त है, उसमें जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 स्टेजेस हैं भावों की। भाव यानी कि हमारा जो है, हम उत्पन्न होते हैं, फिर वर्तमान होते हैं, बदलते हैं, बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपक्षीय, क्षीण होते हैं और फिर विनश्यति, नष्ट होते हैं। तो एक प्रकार से मुझे ये लगा कि मृत्यु जिज्ञासा को आरंभ करने के लिए ये सूत्र बहुत उपयोगी हो सकता है कि जीवन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके मृत्यु आती है, जिसे आप विनाश कहते हैं, वहाँ तक चलता है। इसी पे विचार करते हुए मेरे सामने एक प्रश्न और आया था जब मैंने कुछ और विद्वानों से भी इस विषय में चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि देह और आत्मा का जो अलग अलग होना है वही मृत्यु है। तो उससे ऐसा लगा कि शायद मृत्यु एक जो घटनाक्रम है, बीच में क्रिया है, उसको आप मृत्यु कह रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यदि बीच में क्रिया, जो अवच्छेद की क्रिया है, उसको आप मृत्यु कह रहे हैं, तो इसका मतलब है वो शरीर और आत्मा, उनके साथ इसका ज़्यादा संबंध नहीं है, उनके विच्छेदन के साथ इसका संबंध हुआ। लेकिन चलिए उस पक्ष को भी अगर अभी हम संभाल के रख लेते हैं। दूसरा पक्ष आपको सांख्य की ओर से मिलता है कि प्रकृति की जो सम अवस्था है, क्या हम उसे मृत्यु कह सकते हैं? प्रकृति जब अपनी समवस्था में है उसमें कोई विकृति नहीं आई, और क्योंकि जब विकृति आती है तो महाभूत और फिर आगे का जीवन चलता है, तो क्या हम विकृति को जीवन कह सकते हैं और प्रकृति की समवस्था को मृत्यु कह सकते हैं? इस दृष्टि से क्या हम मृत्यु के विषय को अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये एक विषय है। अभी आप फिर बीच में आ जाइए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि भारतीय परंपरा में मृत्यु के विषय में जो विचार किया जाता है वो किया जाता है पुनर्जन्म के संदर्भ में, कि आत्मा जो है वो एक जन्म, इस जन्म को छोड़कर फिर अगले जन्म में जाती है, देह छोड़ जाती है और फिर अगले में चली जाती है। तो उस दृष्टि से भी आपको मृत्यु को देखना है कि वहाँ पे मृत्यु का क्या अर्थ होगा और वस्तुतः कौन मर रहा है वहाँ पे। लेकिन इसके विपरीत आपके जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, अब्राहमिक जो विश्वास हैं, वहाँ पे तो जीवन ही एक है कि आप एक बार जो है वो एक ही जीवन मिलेगा और उसी में आपकी मृत्यु होगी और उसके बाद आपको दफना दिया जाएगा और जब जो है जजमेंट डे आएगा तो उस दिन आपको कब्र में से निकाला जाएगा और खुदा के सामने पेश किया जाएगा और फिर आपका हिसाब किताब होगा। तो अब यहाँ पर मृत्यु का अर्थ एक नितांत भिन्न अर्थ में चला जाता है जो कि हमारे पुनर्जन्म की व्याख्या से अलग है। इसी तरह से एक बात और भी हमें ध्यान देनी होगी यहाँ पे कि एक मृत्यु है क्रमिक प्रक्रिया की, जैसे कि मेडिकल साइंसेस में मृत्यु एकदम सामान्य मृत्यु जो है वो एकदम नहीं होती, क्योंकि पहले आपका जो है वो ब्रेन डेड होगा, फिर आप जो है उसके बाद हार्ट और 7 मिनट तक वो चलेगा, फिर उसके बाद आपके सेल्स जो हैं वो नष्ट होंगे और आदि आदि, इस तरह से करते करते क्रमशः जो है वो मृत्यु होती है। और दूसरी है आकस्मिक मृत्यु, घटना है कि जैसे कोई बम चला, कोई विस्फोट हुआ और उसमें जो है एक क्षण में ही आप मर गए। तो ये दृष्टिकोण को भी हमें ध्यान रखना है जब हम मृत्यु को परिभाषित करेंगे, जब हम इस बात का उत्तर देंगे कि वस्तुतः मरता कौन है और मरता क्या है, हु डाइज एंड व्हाट डाइज व्हेन वी डाई। अब थोड़ा सा इसके पक्ष को और विस्तार दे लेते हैं। हम लोग सामान्य रूप से इस बात का पाठ करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो यहाँ पे कौन सी मृत्यु की हम बात कर रहे हैं जिसकी ओर हम नहीं जाना चाहते? क्या देह गत मृत्यु की बात कर रहे हैं या कुछ और किसी मृत्यु की बात कर रहे हैं और अमृत का क्या पक्ष हो सकता है, इसको बैकग्राउंड में हमें रखना होगा। और साथ ही आप ये जो फोटोग्राफ एक देख रहे हैं, जो मेरी सबसे ज़्यादा रुचि का विषय बना, वो बना कि जब एक पिता ने अपने पुत्र नचिकेता को उसके प्रश्नों के कारण उसको ये कह दिया कि तम होवाच मृत्यवे त्वाम ददामी थी, कि जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो मृत्यु को दे देना अपने पुत्र को, उसका क्या अर्थ रहा होगा? तो वहाँ तो यम ही है, यम स्वयं देवता है मृत्यु के, तो मृत्यु को देना और यम को देना क्या एक ही बात है या वहाँ मृत्यु के कौन से लाक्षणिक अर्थों को आप लेंगे? फिर कुछ घटनाएं, 2 घटनाएं और आ जाती हैं और उसके साथ आप इस मंत्र को भी ध्यान दें जिसको हम अक्सर मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए करते हैं, मृत्यु और माँ मुक्षीय माँ अमृतात्। तो यहाँ पे भी क्या है मृत्यु, कौन सी मृत्यु से आप मुक्त होना चाहते हैं? दैहिक मृत्यु से या कोई और मॉरल डेथ जिसे आप कह देते हैं, उससे आप मुक्त होना चाहते हैं। और ये घटनाएं भी ध्यान में रखें आप साथ में कि सावित्री और सत्यवान की कथा, जहाँ पर सावित्री जो है वो सत्यवान के प्राणों को लेकर के, वहाँ पे आत्मा नहीं है वहाँ प्राण है शब्द, कि प्राणों को लेकर के जब यम जा रहे हैं तो सावित्री जो है उन्हें अपने श्रद्धावश उसे वापस ले आती है। तो इसका मतलब क्या केवल प्राणों को हम मान लें कि प्राण जो को वियुक्त होने पर हम मृत्यु स्वीकार कर लें? अब एक घटना और आप ध्यान में दें नीचे की ओर कि मार्कंडे नामक जो बालक है जिसको 16 वर्ष की उम्र ही मिली थी, उसको जो है उसकी शिव रक्षा करते हैं और यम जो है वो उसको मार नहीं पाते। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप अपनी परंपरा से, अपने जितना भी आपकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण है उससे इनको इन सब बातों को आप ध्यान में रखें ताकि इन 2 प्रश्नों के उत्तरों को हम ढूंढ सकें और इन प्रश्नों को पुनः परिभाषित भी कर सकें कि जब हम मरते हैं तो वस्तुतः कौन मरता है? क्या प्राण अलग हो जाते हैं, आत्मा अलग हो जाती है, या आपका अंतःकरण अलग हो जाता है, या वस्तुतः क्या है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो निकल जाती है जिसे हम ये उंगली रख के कहें कि ये मरा? तो कौन मरता है और क्या मरता है एक्चुअली, ये बात हम आज ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें मैंने आपके साथ पहले ही साझी कर रखी हैं, इसलिए इसमें मैं नहीं जा रहा। तो आज इन विषयों को अग्रसर करने के लिए उन विद्वान वक्ताओं को और विदुषियों को हमने सादर आमंत्रित किया है। उनमें प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो फॉर्मर हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, 20 मिनट का उनका वक्तव्य रहेगा। और ये इसलिए मैंने रखा है उनको क्योंकि हमें पहले एक बार संस्कृत का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हमारी परंपरा का पक्ष क्या है, वहाँ पे मृत्यु को कैसे देखते हैं। क्योंकि डेथ शब्द को जब आप प्रयोग करते हैं तो वेस्ट में या ग्रीक में एक वो नेगेटिव टर्म की ओर हमें ले जाता है, उसके कॉनोटेशंस बड़े नेगेटिव हैं। लेकिन यहाँ पे मृत्यु जो है वो उत्सव के रूप में आप देखेंगे कि एक प्रकार से वो मृत्यु के रूप में ही उसको मनाया, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूसरा हमने जो सादर आमंत्रित किया है और वो हैं डॉक्टर ऋतु शर्मा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश DAV PG कॉलेज चंडीगढ़ से हैं, जिनके अपने बहुत नितान्त निजी अनुभव रहे हैं इस विषय में। तो उस बात को हम देखना चाहते हैं और जैसा कि उन्होंने अपने ग्रुप में शेयर भी किया था, जिससे मैंने प्रभावित होकर उनको सादर आमंत्रित किया है कि वो इस सारे विषय को कैसे देखते हैं। तो लगभग 10 मिनट का उनका वक्तव्य रहेगा। उसके बाद डॉक्टर राजश्री वासुदेवन, जो कि फाउंडर हैं स्पंद अभिनव होलिस्टिक इनिशिएटिव चेन्नई से, उनके अपने निजी अनुभव हैं मृत्यु के साथ, जैसा कि उनसे बात हो रही थी। तो 10 मिनट के करीब लगभग वो अपनी चर्चा रखेंगे और उसके बाद आप सब के विचारों के लिए, चर्चा के लिए ये सारा विषय ओपन रहेगा। इससे पूर्व कि मैं आमंत्रित करूं डॉक्टर राजेंद्र जी को, मैं एक दो बातें और साझी कर लेता हूं आपके साथ कि ये सामान्य जानकारी हमारे पास है। परंपरा में इतनी जानकारी थी और ये हमारे पास सामान्य जानकारी होती है। और ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं कि ये तो आपके फिजिकल बॉडी है जो अर्थ पे रहती है, और उसमें से ये सोल या मेंटल बॉडी या कॉजल बॉडी या सुपर कॉजल बॉडी, जिसे आप सूक्ष्म शरीर आदि कहते हैं, वो निकलते हैं। और ये उनके फोटोग्राफ्स हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा लिए गए हैं। मैं नहीं जानता इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, लेकिन ये सचमुच उपलब्ध फोटोग्राफ्स हैं। आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में विशेष कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिकली, कि आपके शरीर से कोई ऊर्जा ऐसी जरूर निकलती है जिसकी इस प्रकार की आकृतियां हैं। बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे नेट पे। एक दो बातें और आपके साथ साझा करके मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पे मृत्यु के कई सारे देवता हैं। यम तो है ही है, उससे आपका परिचय है। काली को भी आप मृत्यु के साथ उसका संबंध देखते हैं। काल भैरव, आप इनके से भी परिचित हैं, ये भी मृत्यु के देवता हैं। धूमावती देवी जो हैं, उनका भी मृत्यु से और दुर्भाग्य से संबंध है। और बुद्धिज्म में जो है वो भी जो है वहाँ पर एक देवता है, नाम विस्मृत हो गया मेरे मन से। और बाकी आप लोगों ने जितना प्रभाव हम भारतीयों के ऊपर गीता का है, वहाँ पर आप सब ने ये देखा होगा, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिणा, कि ये सारा शरीर जो है ये सब नाशवान कहे गए हैं। तो निश्चित रूप से उसमें से आत्मा जो है अविनाशी है। तो उनके संबंध जो है उस विच्छेद को हम मृत्यु कहें। और फिर उस मतलब उस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और दूसरा श्लोक भी है, और इसी तरह के आपको अनेकानेक श्लोक आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। जातः से ही ध्रुवो मृत्यु, कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। और ये हमारी नोशंस हैं सामान्य रूप से। जब हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, हर घर में मृत्यु होती है, हर घर में बीमारी आती है, तो हम आत्मा की अमरता को लेकर के एक आश्वासन देना चाहते हैं, दूसरे को संतोष देना चाहते हैं। फिर रीइनकार्नेशन की बात करते हैं डेथ के संदर्भ में। और हम साहित्यिक दृष्टि से डेथ, डू नॉट फियर डेथ, इस तरह की कविताएं भी हमने देखी हैं। और फिर उसके बाद डू नॉट ग्रीव डेथ ऑफ लव्ड वंस, इस तरह का उपदेश आपको देखने को, सुनने को मिलता है। इवन इफ वन डाइज देयर इज नो बिगिनिंग और एंड, इस तरह की बहुत सारी नोशंस जो हैं हमारे समाज में प्रचलित हैं। और बल्कि नोशंस क्या हैं, मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये शायद एक काउंसलिंग करने के तरीके हैं। अब एक बात और कह करके मैं समाप्त कर रहा हूँ बात, कि हमें इस मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में जानने की आवश्यकता क्या है, क्यों है, हमें क्यों जानना चाहिए। सामान्य रूप से अगर व्यवहारिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको कानून की दृष्टि से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी की हत्या होती है या किसी बीमारी से कोई मरता है तो आपको उसका इलाज करने के लिए और किसी को सजा दिलाने के लिए मृत्यु के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। लेकिन उससे अतिरिक्त जब आप दार्शनिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जब आप जानना चाहते हैं तो शायद थोड़ी सी कठिनाई होगी कि मृत्यु के विषय में हम क्यों जानें। और कई बार हम बचाव का उत्तर दे देते हैं कि मृत्यु तो होती ही नहीं है, क्योंकि शरीर तो पहले ही पंचमहाभूतों से बना है जो कि जड़ होते हैं, और आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। तो फिर आप डेथ शब्द जो है, मृत्यु शब्द है, उसको कैसे समझते हैं, कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारे प्रश्न हैं जिनके विषय में मुझे लगता है हम सभी को चर्चा करनी चाहिए। आज हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम सभी मिल करके इस विषय के ऊपर अपना अपना वक्तव्य रखें, टिप्पणियां संक्षिप्त हों, सटीक हों और योग्य हों। और अगर आप चाहें, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रश्न, अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न को थोड़ा परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के जितने लोगों से मैंने चर्चा की है उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने तो मुझे बस ये कहा कि जब आत्मा मरती ही नहीं तो हम मरते हैं वाली क्या बात है, वो तो बस शरीर मरता है। भाई शरीर तो पहले ही मरा हुआ, तो उसमें मरने की क्रिया कैसे घटित होगी, क्योंकि वो तो जड़ है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ बाद में चर्चा करूंगा। तो अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के प्रथम मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को कि लगभग 20 मिनट वो अपना वक्तव्य हमें ये स्पष्ट करें कि हमारी परंपरा में इस मृत्यु के कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को कैसे देखा और समझा जाता है और उनके लिए मृत्यु क्या है। सर, आ ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभृत सुदृंभमाणास्फुटं जाग्र स्वप्न सुसुप्ति भाषकतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्री राजराजेश्वरी। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निधिबोधरूपं योगीन्द्रमिड्यं भव श्रीमद्गुरुं नित्यं हम भजामि। आज की इस परिचर्चा में जितने भी बड़े बड़े मनीषीगण पधारे हैं उन सबको मैं नमन करता हूं और अपनी बात को मैं शुरू करता हूं, क्योंकि समय कम है। यहाँ जो मृत्यु के बारे में आज तो जो जिज्ञासा रखी, इस पर मैं एक दार्शनिक होने के कारण कुछ बातें कहूंगा कि मृत्यु क्या है। इसके विषय में जिज्ञासा महाभारत में दो जगह प्राप्त होती है। एक तो धृतराष्ट्र पूछते हैं युद्ध से पहले विदुर से कि मृत्यु क्या है, मुझे जानना है। और एक युद्ध के बाद में, ये उद्योग पर्व में, ये सनत्सुजात प्रकरण है, वहां ये जिज्ञासा होती है कि मृत्यु क्या है और इसके बारे में मुझे पूछना है। दूसरी जिज्ञासा शांति पर्व के 155 से 58 अध्याय में मृत्यु का प्रश्न है। वहां युधिष्ठिर पूछते हैं व्यास से कि, भीष्म से पूछते हैं कि मृत्यु क्या है। तो ये दो जगह जो प्रश्न है, मृत्यु क्या है, मृत्यु को हम जानना चाहते हैं, इन दोनों का जो उत्तर वहां दिया गया, तो उत्तर विदुर ने कहा कि मुझे इसका उत्तर नहीं आता है, मृत्यु क्या है, कि इसका उत्तर तो कोई ब्रह्मा का पुत्र ही देगा। और ब्रह्मा के पुत्र के रूप में वहां उन्होंने कहा कि किसी ब्रह्मा के पुत्र को बुलाओ, सनस को उन्होंने प्रकट किया। सनत्सुजात ने वहां 5 अध्याय में मृत्यु के बारे में बात की है। सनत्सुजात जो थे उसे कुमार भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो कार्तिक थे, और वो ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के जो पुत्र हैं सनक, सनंदन आदि, ये हमेशा बालक रूप में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाल्यावस्था में मृत्यु को जीत लिया। जो व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में चला जाता है, जिस अवस्था में जाता है वही उसका शरीर होता है, उसके बाद में इसके न तो उसकी आयु बढ़ती है, वो हमेशा उसी आयु में रहता है। तो सनत्सुजात ने प्रकट होकर कहा कि मृत्यु नहीं है, कि मृत्यु नहीं है। क्यों नहीं है मृत्यु? कि आत्मा अमर है, प्रकृति अमर है, पुरुष अमर है, दोनों ही अनादि है। जब गीता में भगवान इसको फिर स्पष्ट करते हैं कि ये दोनों, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ही अनादि है, तो फिर मृत्यु कैसे हो सकती है? मृत्यु है क्या? तो वो कहते हैं मृत्यु का अर्थ यह मानना चाहिए कि हम लोग जो पाप करते हैं, हमारा जो प्रमाद है, जो हमारी गफलत है, वही मृत्यु है। ये सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया और 4 अध्याय में उन्होंने प्रतिपादित किया। करीब 196 श्लोक हैं। उद्योग पर के 141 अध्याय से 145 तक इस पर आचार्य शंकर ने अपना भाष्य भी लिखा, और शंकराचार्य ने इसमें यही भाष्य लिखा कि जब आत्मा अमर है प्रकृति अमर है, दोनों ही नित्य है, तो फिर मृत्यु तो नहीं होगी। मृत्यु नहीं होती है। होता क्या है मृत्यु? जिसे हम समझते हैं कि मृत्यु का मतलब हमारा शरीर जो है, उस शरीर पहले हमें अपने समझना होगा शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या, प्राण क्या है और आत्मा क्या है। तो आत्मा जो होती है, आत्मा जब सर्वव्यापक होती है, सब जगह आत्मा होती है, वो शरीर से बाहर भी होती है, भीतर भी होती है। आत्मा को आ गया विभु और सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक होने से आत्मा न तो आती है न जाती है, और वो आती भी नहीं है जाती भी नहीं है। तो इसलिए आत्मा की मृत्यु तो नहीं हो सकती। पहली बात तो आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, आत्मा अमर है। वो जो शरीर जिसको उसने धारण किया, उस शरीर में शरीर मन बुद्धि, जैसे सांख्य की प्रक्रिया से चलते हैं हम भले, तो सांख्य में कहा कि पहले महत पैदा होता है, महत से जब विकृति शुरू होती है तो महत, महत से अहंकार, यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार। अहंकार को आप यह कह सकते हैं कि अहंकार जो है वो मन है, और मन और बुद्धि के बाद में जो है ये सृष्टि प्रक्रिया पंच महाभूत बनते हैं। और इस तरह से उन्होंने 5 सात प्रकृति विकृति बताई कि प्रकृति की 7 विकृति है, महत, अहंकार और पंच तन मात्राएं। तो ये जो 5 तत्व बने कि जो शरीर में भी हमारे, क्या हम शरीर को इस दृष्टि से नहीं देखें जैसे भौतिक दृष्टि से देखते हैं, वो अलग दृष्टि है। हमारे शास्त्रों में 3 दृष्टियां मिलती है। तो भौतिक दृष्टि, जिसको मतलब शारीरिक दृष्टि से करते हैं। दूसरी दृष्टि होती है कि जो आधिदैविक दृष्टि होती है, उसमें देवता के अनुसार देखते हैं कि देवता कौन कौन से हैं, तो हम पंच महाभूतों को देवता कहते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब देवता कहलाते हैं। सूर्य और चंद्रमा और खुद आत्मा, इन 8 को हम अष्टमूर्ति शिव कहते हैं। तो शिव की जो 8 मूर्ति है, शाकुंतलम में उन्होंने अष्टमूर्ति शिव में उन्होंने कहा यही प्रकृति है, परा प्रकृति जो है उसमें 8 तत्व होते हैं। और इसे ही तंत्र में अष्टमात्रिका कहते हैं। वो कहते हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, नारसिंह, ये 8 मात्रिकाएं जो हैं, इनका नाम का ही भेद है। वहां उनको पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान कहा गया। इनको 8 को अष्टमूर्ति शिव कहा गया, वहां अष्टमात्रिका गई। तो हर दर्शन में उनके नाम बदल जाते हैं। तो आपका एक प्रश्न था कि ये बाराही क्या है या वो धुमावती क्या है, तो हर शाक्त दर्शन में इसका अलग नाम हो सकता है, शैव दर्शन में अलग, वैष्णव दर्शन में इसका नाम अलग हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूजन होता है कि मृत्यु के देवता कौन से हैं। शाक्त लोग में अलग परंपरा है, वैष्णव में अलग परंपरा है, उनके नाम बदलते हैं, बाकी वस्तुतः कोई तत्व नहीं बदलता। तो जो शरीर है, उस शरीर को हम खुद देख सकते हैं। शरीर में क्या है कि जो शरीर है, उस शरीर में भी हमारे 3 पक्ष होंगे। एक भौतिक पक्ष होगा, एक दैविक पक्ष होगा और एक आत्मिक पक्ष होगा। आत्मा जो है वो अमर होती है। हम जब योग में जाएंगे, सांख्य योग से चलते हैं, तो योग में जब जाएंगे तो हम जब ध्यान करते हैं तो उस ध्यान में हम मूलाधार आदि जो चक्र हैं उनमें पहले हम कहते हैं भूमि तत्व है, भूमि के बाद में जल है, जल के बाद में अग्नि है, अग्नि के बाद में वायु और आकाश। तो ये जो तत्व है, इन 5 तत्वों को हम 5 चक्रों में ध्यान करते हैं। इस पर जो कहते हैं 2 और बचते हैं, तो उस चक्र में, अंतिम चक्र में, सहस्रार में ब्रह्म का चिंतन होता है, वही अमृत तत्व रहता है कि वहां अमृत रहता है ब्रह्म में। और जो भ्रू चक्र में हम कहते हैं ज्ञान चक्र, तो उनके ऊपर के जो 3 तत्व हैं उनको हम मन, बुद्धि, अहंकार कहते हैं। अहंकार, मन, बुद्धि जो वो ऊपर के तत्व कहलाते हैं। इन्हीं को हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है और एक जीव है। जीव, ब्रह्म और ईश्वर, जो 3 तत्व हैं, इन 3 तत्वों से में इनमें किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। ये तीनों तत्व अनादि हैं। जीव भी अनादि है, ईश्वर भी, माया अवच्छिन्न सगुण ब्रह्म जो है वो भी अनादि है, और वो सब एक ही तत्व के 3 नाम है। इसलिए इनको हम ऊपर के तत्वों को कहते हैं कि ये जो है ये हमारे अनादि तत्व हैं। इसलिए मृत्यु संभव नहीं होगी। मृत्यु आत्मा की तो नहीं होगी। आत्मा से जिस तरह से सृष्टि बनती है, सबसे पहले सांख्य कहता आकाश बना, आकाश से अग्नि, अग्नि से जल, अग्नि से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि जल और पृथ्वी, ये क्रम है। आकाश में एक गुण है, केवल स्पर्श होता है। तो जैसे जैसे स्पर्श होता है उसको हम आकाश में एक गुण है शब्द गुण, वायु में 2 गुण है, एक गुण और बढ़ता है तो उसमें शब्द के साथ में स्पर्श भी हो जाता है। हवा को हम छू सकते हैं, आकाश को छू नहीं सकते, तो 2 गुण बन गए। तीसरे गुण में अग्नि आती है, अग्नि में रूप का भी ज्ञान होता है, अग्नि दिखती भी है, वायु नहीं दिखती, आकाश नहीं दिखता, तो उसमें तीसरा गुण आता है। इसलिए उसको हम कहते हैं कि वो जो अग्नि तत्व है उसमें 3 गुण, उसमें रूप है। और चौथा जो तत्व है जल, तो जल तत्व के अंदर जो है हमारे अंदर रस भी होता है, और पृथ्वी में 500 गुण होते हैं, तो उसमें रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन्हीं को हम 5 इंद्रियां कहते हैं। तो शरीर में जो इंद्रियां हैं ये 5 देवताओं के हम रूप मानते हैं कि 5 देवताओं के जो रूप हैं, तो इन्हीं को हम 5 पंच गुणा पृथ्वी। एक तो भौतिक सृष्टि हुई, तो उसमें इसी तरह से कर्म होता है, उसका विलय भी इसी तरह से हो जाएगा। तो पहले हम शरीर तत्व को समझ लें कि शरीर में जो है, शरीर जिसको हम भौतिक शरीर करें वो पंच भूतों से बना है, पांच देवों से बना और उनका ये क्रम है। पृथ्वी पंचगुणा, आकाश में एक गुण है, इन सब में शब्द है। शब्द इसमें मूल तत्व तो हुआ कि शब्द इसलिए मूल हुआ कि शब्द जो है उसमें सब में शब्द है। वो कहते हैं आकाश में भी शब्द है, शब्द गुण कम आकाशम, नैयायिक स्वीकार करते हैं। शब्द जो है वायु में भी है, वायु में हवा की में आवाज आती है, और शब्द अग्नि में भी है, तट तट अग्नि में ध्वनि होती है, और जल में बुदबुदा तप तप ऐसी ध्वनि जल में होती है, और पृथ्वी में भी ध्वनि होती है। तो ध्वनि सब में होती है, तो शब्द एक पला रूप है कि सब में शब्द है। शब्द के साथ दूसरी जो चीज जुड़ी हुई पदार्थ, शब्द होता है, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई पदार्थ होता है, इनको नाम और रूप कहते हैं। नाम रूपे व्याकरवाणी, तो सबका अपना अपना अर्थ भी होता है, और अर्थ जो होता है वो दूसरा रूप हो गया। और तीसरा जो है ज्ञान, कि शब्द शब्द को ही नहीं बताता, शब्द अर्थ को भी बताता है और शब्द ज्ञान को भी बताता है। तो शब्द जो है उसी को हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, कि शब्द जो है वो अमर होता है, हर प्रत्येक शब्द दुनिया का अमर कहलाता है, उसका नाश नहीं होता, वो अनादि निधन है। भर्तृहरि ने स्थापित कर दिया था कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व अक्षरम विवर्ते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो। तो शब्द तत्व अनादि है, तो जैसे जैसे हम शब्दों में जानते हैं कि वो मूल तत्व जो अनादि है और उसका नाश और उत्पत्ति नहीं होती। शरीर जो धारण करते हैं, शरीर में अब शब्द से हम शब्द में तीन पक्ष आए हमारे सामने कि एक शब्द है, एक पदार्थ जगत है, भौतिक जगत है, एक शब्द जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। तो इन तीनों में जो आध्यात्मिक जगत है उसमें आत्मा ही बसती है, उसमें केवल एक ही तत्व होता है। तो जितने भी दर्शन है वो अंत में जाकर के एक तत्व पर जब पहुंचेंगे, जैसे शिवाद्वैतवाद कहें, शक्ति अद्वैत कहें, चाहे कोई भी देवता का एक अद्वैत मानना पड़ता है कि सब तत्व में एक ही है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन है, कि सब में एक ही ब्रह्म तत्व है। सियाराम, तुलसीदास जी इसको ऐसे कह देंगे, सियाराम मैं सब जग जानी, सब में एक ही तत्व है। तो एक तत्व जो मिलता है उसे अमृत तत्व कहते हैं। उस एक से सांख्य के हम द्वैत में आते हैं, प्रकृति पुरुष के जब द्वैत में आते हैं तो हमें दो चीजें दिखती है, दोनों अनादि दिखती है, एक क्रियाशील है, एक क्रियाशील नहीं है। प्रकृति क्रियाशील है, तो जो क्रिया शक्ति है ये दूसरी शक्ति है। क्रिया शक्ति को हम ये कहते हैं, जो क्रिया शक्ति है इसे कर्म कहते हैं। इस कर्मों के कारण हमें शरीर मिलते हैं और कर्मों के अनुसार हमारे में गति रहती है। हमारे शरीर में हम जब देखते हैं कि तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति में केवल क्रिया होती है और कुछ नहीं होता है। सुषुप्ति जो है मूलतः क्रिया होती है, पूरा शरीर कार्य कर रहा है, पर उस शरीर में ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का अभाव होता है उसमें। शून्यालंबन वृत्ति निद्रा, योग सूत्र कहता है कि जब ज्ञान शून्य अवस्था को नींद कहते हैं, गहरी नींद है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। तो एक ऐसी अवस्था शरीर की है जिसमें ज्ञान रहित है। मृत्यु भी ऐसी अवस्था है। तो वो कहते हैं ज्ञान जो रहित जो अवस्था है उसे हम कहते हैं कि शून्यावस्था। उससे जब स्वप्नावस्था में आते हैं तो उसमें ज्ञान जगता है, मन जग जाता है और इंद्रिया नहीं होती, केवल मन होता है। मन से हम तरह तरह के दृश्य देखते हैं। तो उसमें ज्ञान क्रिया शक्ति के साथ में उसमें ज्ञान भी आता है। और जब जागृत में होते हैं तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी होती है, हम इच्छा करते हैं। स्वप्न में जो देखना है हमें देखना ही पड़ेगा, उसमें हमारी इच्छा का कोई महत्व नहीं है। तो जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो हमें तरह तरह के इच्छाएं होती है। तो ये तीन चीजें हुई, इसको हम एक तो इच्छा कहते हैं, एक क्रिया कहते हैं और ज्ञान कहते हैं। तंत्र में से कहा इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीन जो है आत्मा की शक्ति है। इन्हें इन तीनों शक्ति से मिला हुआ ही ब्रह्म जो है शिव है या शक्ति है, जो भी आप इसका नाम रखें, विष्णु है। उसमें तीन शक्तियां होती है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। गीता में इसे कहेंगे कि ये तीन तरह के गुण है, सत्व, रज और तम। ये तीन गुण है, सत्व गुण और तमोगुण। इन तीनों गुण में विपरीत स्वभाव है। सत्व गुण प्रकाश का है और जबकि तमोगुण अंधकार है। तो एक तरह प्रकाश और अंधकार विपरीत गुण है। सांख्य इसको बता रहा है कि दोनों गुण विपरीत हैं, सत्व से तमोगुण विपरीत है। और एक क्रियाशील और एक निष्क्रिय है, तमोगुण निष्क्रिय है जबकि रजोगुण सक्रिय है। तो जो गुणों की चर्चा करते हैं गीताकार, इसे तीन गुण कहते हैं। इसे कहते हैं हमारी प्रकृति है, ये माया है। तो वहां जो शब्द आएगा कि ये प्रकृति है, वेदांत में उसे कहेंगे कि माया है, और माया है, अविद्या है और महामाया, ये तीनों साथ जिसको कहें ब्रह्म, ईश्वर और जीव, इन तीनों से, इन तीन शक्तियों का संबंध होता है। इनके नाम अलग अलग दर्शनों में अलग अलग होते हैं, अलग अलग चिंतन में इनके नाम अलग होते हैं। तो तीनों गुण और आत्मा निर्गुण। तो आत्मा निर्गुण स्वभाव होता है, उसमें तीन गुण जो है उन वो आत्मा की तीनों शक्ति कहलाते हैं। आत्मा की प्रधान शक्ति है, उसको प्राण शक्ति कहते हैं, यानी मृत्यु का अर्थ प्राणों का त्याग। यही उपाय बताया गया, मृत्यु में शरीर तो उपलब्ध रहता है, शरीर में जो कुछ है वो यही रहता है, कहीं जाता नहीं है। और आत्मा हमेशा ही उपलब्ध रहती है, आत्मा सर्वत्र है, इसलिए आत्मा का नाश हो ही नहीं सकता, आत्मा की गति नहीं हो सकती। तो फिर गति किसकी हुई? तो गति केवल उसमें प्राणों की हुई, प्राण यानी शक्ति, वो शक्ति जो है उसमें चली जाती है। इसलिए मृत्यु का अर्थ हमारे यहाँ ये माना गया कि प्राण ऊर्ध्वक्रमण करते हैं। प्राण क्या, दूसरा प्रश्न उठेगा प्राण क्या है, तो प्राणों के बारे में हमारे ये माना गया है कि जो प्राण है उस प्राण को हम ब्रह्म की शक्ति कहते हैं और वो नित्य शक्ति है, उसको शिव शक्ति कहें आप, वही बात है कि शिव और उसकी शक्ति, तो उन या माया और ब्रह्म या उसे वेदों में रस या बल कहा गया। तो रस बल प्राण ये सब एक ही चीज है, इनके उन्होंने नाम कहा कि ये दोनों जो चीजें हैं रस और बल यानी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, ये दो शक्ति जो हमें आत्मा के साथ प्राप्त होती है। और इसमें जो क्रिया शक्ति को प्रधान माना गया कि क्रिया को ही हम काली कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं कि क्रिया कभी भी हमारी खत्म नहीं होती। जब हम पैदा हुए तो हमारी पहली क्रिया सांस शुरू हुआ, हमने सांस खींचा, हम की आवाज हुई, छोड़ा सह की आवाज हुई, ये प्राण शक्ति कहलाती है। प्राण शक्ति जब तक मृत्यु होती है तब तक हमारा सांस कंटिन्यू चलता रहता है और एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। तो ये सांस की जो प्रक्रिया है, इसीलिए आत्मा को जीव हंस कहा गया कि हंस गति जो हमारी चलती रहती है, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं और ये रुक नहीं सकती है। ये रुकने का नाम मृत्यु है कि जो सांस हमारे प्राण छोड़ देते हैं उसको मूलतः योग में प्राण कहा। उस प्राण के ही पांच उन्होंने नाम किया कि प्राण जो है सामान्य रूप में इसको हृदय में कहा कि हृदय में, पर अपान जो है गुदा में अपान कहलाता है और समान सर्वदेश में कहलाता है। इस तरह उन्होंने पांच भेद और किए। जब मृत्यु होती है तो भी कहते हैं कि मृत्यु के समय भी शरीर में धनंजय वायु तो रहती है, उसके अंदर हवा निकलती नहीं, हवा तो उसके अंदर है, ऐसा नहीं कि वायु चली जाती है। वायु को प्राण कहें। प्राण का अर्थ केवल इतना ही है कि वो शक्ति जो हमारे शरीर में आते ही पंच महाभूतों को बनाती है, सारे शरीर की सृष्टि उसी से होती है। तो पंच तत्वों का जो मुख्य तत्व है कि वो पांच, इसको उनको हम कहते हैं कि ये पांच तत्व बने, कर्मेंद्रियां बनी, पांच ज्ञान के साथ में ज्ञानेंद्रियां बनी और मन उनके ऊपर प्रधान है। तो ये इच्छा प्राण जो है, प्राणों का परित्याग जो है, उसे ही मांग धातु का अर्थ जो है मृत्यु का अर्थ प्राणों का जाना ही है कि प्राण चले गए और प्राण नहीं रहते। आत्मा सर्वव्यापक है, वो त्रिकालिक होती है, आत्मा एक काल की नहीं होती और पृथ्वी ये तत्व भी अनादि होते हैं, कोई भी तत्व संसार में नष्ट नहीं हो सकता। पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इनमें किसी परमाणु का हम नाश नहीं मान सकते, इसलिए मृत्यु नहीं है। ये जो सिद्धांत है ये हमें सिद्धांत रूप में मृत्यु के बारे में बताया गया, इसलिए ये जो सिद्धांत शंकराचार्य ने सनत्सुजात भाष्य में स्पष्ट किया कि मृत्यु क्या है। अब अमृत क्या है, तो उनका अमृत का अर्थ है कि जो प्रमाद जो है यानी पाप, ये अपवर्ग से हम कहते हैं कि जब पाप, सबसे पहला पाप है, पाप खत्म हो जाए, अगर पाप रहेगा तो पाप के बाद में हम फल चाहेंगे, पाप से हम कुछ कमाना चाहेंगे, जब हम संसार की ओर उन्मुख होते हैं, इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इसलिए हम संसार की ओर जब देखते हैं तो हमें पाप हमारे अंदर पैदा होता है। गीता में से कहते हैं काम क्रोध लोभ है, ये तीन नरक के द्वार हैं कि काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं और इनके जो भी इनसे अनुसार करेंगे उनका भी फल भोगना पड़ेगा। तो पाप से फल होगा, फल से बंधन होगा। पावर में पांच वर्ग हैं, पाप, फल और मृत्यु। मृत्यु पांचवी स्थिति है कि हम पहले पाप को प्राप्त करेंगे, पाप के कारण हमारे अंदर पाप है क्योंकि तमोगुण हमारे अंदर आता ही है अहंकार के अनुसार, तो तमोगुण आने से हम पाप करते हैं, पाप करने के बाद में फल हमें प्राप्त होगा, उस फल के अनुसार हमें शरीर मिलेगा। अगर जब दोनों पाप पुण्य बराबर होते हैं तो मनुष्य का शरीर मिलता है। पाप पुण्य अगर कम होंगे, पुण्य अधिक होगा तो हम देवता बनेंगे, हम अमृत को प्राप्त कर लेंगे, पर वो अमृत नित्य अमृत नहीं है, उस देवता को भी वापस मनुष्य बनना पड़ता है। वो कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, कि पुण्य अगर क्षीण होंगे तो आप वापस मृत्यु को प्राप्त करेंगे, यानी देवता भी मनुष्य बन जाएंगे और उनको वापस इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो इसलिए पाप और पुण्य जो है ये हमारे कर्म के जो बंधन है, इस कर्म के बंधन के बाद में बंधन में पड़ते हैं, बंधन मिलता है क्योंकि हम संसारी कर्म करेंगे तो उसमें लास्ट में हमें भय मिलेगा ही और भय के बाद में हमारी मृत्यु होगी और हम निम्न लोकों की ओर चल जाते हैं, निम्न शरीर मिलेंगे। तो एक तरह से उन्होंने शरीर को समझाया कि कर्म बंधन से जुड़ा हुआ है। और धर्म क्या है, इसलिए सनत्सुजात कहते हैं कि धर्म जो है वो अमृत तत्व है जहाँ हम पाप पुण्य दोनों को बराबर कर लें और हम ईश्वर भाव में, ब्रह्म भाव में आ जाए। हमारे लिए न द्वेष्यो न प्रियोस्ति में, गीता में कहते हैं कि मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है और कोई मेरे लिए प्रिय नहीं है। समो हम सर्वभूतेषु, कि जब हम समता में जाएं, सब जीव में हमें जब समानता दिखेगी तो हम अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, फिर हमें कभी हम नहीं मरते। और अमृत के लिए जो हमारे जो शब्द है, हमारे शब्द हम रहेंगे, बाकी शरीर तो हमारा नहीं रहेगा। शरीर चूंकि प्राणवायु से चल रहा है, भोजन से चल रहा है, तो इससे वो शरीर एक ना एक दिन हमारा नष्ट हो ही जाएगा और क्योंकि इसके साथ में मृत्यु। इसके बारे में जो दूसरी बात है, ये दूसरा जो प्रश्न था महाभारत का, जिसमें युधिष्ठिर ने पूछा था कि मृत्यु क्यों, वो कहते हैं युद्ध में बड़े बड़े लोग मर गए और मैं बड़ा दुखी हूँ। शांति पर्व के 158वें अध्याय में कथा शुरू होती है कि तो वो युधिष्ठिर तो पूछ रहे हैं कि मृत्यु क्या हुई, इन लोगों को मैं इतना बड़ा बीज समझता था, ये मिनटों में चले जाएंगे, ये लाशें बिखरी हुई है, मृत्यु हो चुकी है सबका, और ये देख करके मैं जानना चाहता हूँ मृत्यु क्या है। तो वहाँ व्यास जी ने एक प्रसंग दिया कि एक बार राजा अकंपन थे और उनके वो युद्ध में गए, उनके पुत्र की हत्या हो गई और वो खुद भी हार गए और कैदी बना लिए गए। राजा अकंपन को बड़ा दुख हुआ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरा पुत्र ही मर गया। और सबसे पहले जो मृत्यु है, मृत्यु का अर्थ शोक भी है, मृत्यु के बहुत से अर्थ होते हैं कि दुख में, बंधन में, टेंशन में, ये सब मृत्यु ही है। ये थोड़ी देर की मृत्यु है और निंद्रा भी एक तरह की मृत्यु ही है, तो वो भी कुछ देर के लिए होती है। पर मृत्यु अगर नहीं हो, नींद अगर हमें नहीं आए तो हम जी भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए मृत्यु भी एक आवश्यक चीज है। संसार में जो भी रहेंगे, संसारिक जितने प्राणी हैं उनको मृत्यु लोक कहा गया कि इस संसार में जो भी प्राणी वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। क्यों प्राप्त करेंगे? तो वो कथा युधिष्ठिर का जो प्रश्न था उसके उत्तर में बताया कि एक ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि पैदा की और चारों तरफ उन्होंने हर बीज में एक बीज और अनेक बीज बन सकते हैं, एक बीज में अनेक मनुष्य पैदा कर सकता है। तो हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य पैदा हो गए, जीव जंतु पैदा हो गए, संसार में जगह नहीं बची। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आने लगा, क्रोध आया उनमें और जिधर देखते हैं तुम जल जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, इस तरह उन्होंने शुरू कर दिया। तो वहां भगवान शंकर प्रकट होते हैं कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि करते थे, आप नाश क्यों कर रहे हैं आज? तो कहा नाश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब अब कुछ बचा ही नहीं, मैंने तो सबको अमरता की शक्ति दी, सब अमर हो गए और सब आके यहाँ खड़े हो गए और बढ़ते जा रहे हैं, तो इस संख्या का मैं कैसे नियंत्रण करूंगा, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कहा कि ठीक है, गुस्सा मत करो, इसका कोई विधान करो। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जो अग्नि थी, क्रोधाग्नि, वो उनकी आंखों से निकली और उसे मृत्यु पैदा हुई। मृत्यु का रंग, उन्होंने बताया कि मृत्यु जो है एकदम काले रंग की है, लाल कपड़े पहन के आती है मृत्यु, उसकी आंखें में कोई भी सफेद अंश नहीं है, पूरी आंखें काली है, ऐसी मृत्यु वहां प्रकट होती है। और उसे ब्रह्मा जी कहते हैं तुम मारना शुरू कर दो, जो भी संसार में उनको मारना शुरू करो। तो मृत्यु ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं बोली मृत्यु, वो और स्त्री के रूप में थी और वो खड़ी रही और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वो तपस्या करने लगी और उसने 15 वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा ने कहा तुम मेरे आदेश का पालन करो, तुम मृत्यु शुरू कर दो, संसार में जो लोग अधिक हो गए उनको मारो। तो कहती मैं किसी को नहीं मारूंगी क्योंकि कोई निरपराध है, कोई बच्चा है, बालक है, मैं इसको कैसे मार सकती हूँ, तो मुझे इसमें दुख होता है। और ऐसा कहने के बाद में उसकी आंखों से आंसू निकले, उन आंसुओं को ब्रह्मा जी ने हाथ में उठा लिया। तो वो जो आंसू थे, उन आंसुओं से रोग की उत्पत्ति हुई कि मृत्यु के जो आंसू थे, तो मृत्यु कह रही थी कि मैं मारना नहीं चाहती। तो ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे लिए मैंने इसीलिए तुम्हें पैदा किया है, तुम इनको मारो, संसार में मारना भी जरूरी है और जो मरेंगे उनका दोबारा जन्म भी होगा, इसलिए इसमें कोई पाप नहीं है और मेरी आज्ञा से तुम करियो, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। तो कहते हैं और ये जो आंसू निकले हैं, ये आंसू तरह तरह की बीमारियां बनेंगी, कभी भी ये नाम नहीं होगा मृत्यु से मरे, स्वाभाविक मृत्यु कभी नहीं होती, कोई कारण बनेगा रोग का। ये जो रोग की उत्पत्ति वहां हुई, ये महाभारत के शांति पर्व की कथा है। और मृत्यु और उसके बाद में मृत्यु होने लगी। मृत्यु जो होती है वो काल के अनुसार होती है कि जब जिसका काल पूरा हो जाता है तो उसके लिए काल जो है, काल यानी शिव और वो काली, तो मृत्यु और उनका संबंध ही माना कि एक शिव है एक शिवा है। शिवा जो है रौद्र रूप में महाकाली जब कहलाती है तो मृत्यु को संहार करती है और सबका संहार करती है, कोई भी सामने आए तो छोड़ती नहीं है। और जब नींद आती है सबको आती है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं, पूरी दुनिया सो जाती है उसमें। तो उस समय जो काली आती है वो संहार की शक्ति है और काली शक्ति जो है उसको मृत्यु कहते हैं, इसलिए काली को मृत्यु कहा गया। वेदों में इसे कहा गया कि वेदों में 10 देवता हैं, तो उनमें उन्होंने कहा कि पूर्व के देवता इंद्र हैं, तो यम जो देवता है उसे मृत्यु कहा गया कि यम जो है वो मृत्यु है, दक्षिण दिशा के देवता हैं। तो हर दिशा के 10 दिक्पाल कहलाते हैं, उन दिशाओं में ऐसे उन्होंने कहा कि इंद्री बारुणी उनके नाम है सप्तती में, तो उनके दूसरे नाम रख दिए उन्होंने कि वहां उन्होंने दूसरे नाम रख दिए कि ये नैरिति शक्ति है, ये जो पाप। तो इस तरह से 10 जो दिक्पाल हैं, जैसे प्राण वायु था वो 10 तरह का हो गया, शरीर में जाते प्राण 10 तरह के हो जाते हैं, 10 इंद्रियां हमारी बनती है, ऐसे 10 दिशाओं में उस देवता का रूप होता है। इस तरह से ये बात मृत्यु के बारे में बात हुई। और इसका जो एक प्रश्न और है इसमें, जो कठोपनिषद में शुरू होता है कि मृत्यु को देता हूँ, यानी पिता अपने पुत्र को गुस्से में आके कहते हैं तेरे को मृत्यु को देता हूँ। तो पुत्र यमराज के पास पहुंचता है, 3 दिन तक यमराज मिलते नहीं, बाद में उन्होंने 3 वरदान के लिए कहा, उसमें जो तीसरा वरदान था कि मृत्यु क्या है, तो उनका कि मृत्यु जो है, उन्होंने ये कहा कि जो मृत्यु है वो मृत्यु और अमृत। तो वो कहते हैं कि जो लोग संसार जो प्रेय और श्रेय, जो प्रेय के उपासक होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जो श्रेय के उपासक होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। केवल ब्रह्म की जिज्ञासा, इसको ये सबसे कठिन प्रश्न है, उसका उत्तर कठोपनिषद में और जो गीता में यही दिया गया कि जो ब्रह्म जो है उस ब्रह्म के ज्ञान होने पर हमें मृत्यु नहीं मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान जो है वो मृत्यु को, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो नित्य होता है। उसे ब्रह्म कहें, धर्म कहें, धर्म भी जो है वो नित्य है, जीव कहें वो भी नित्य है, तो उनकी मृत्यु नहीं होती। किंतु जो लोग पापाक्रांत रहेंगे, काम क्रोध और लोभ में रहेंगे, उनकी मृत्यु होगी। और जो तप, त्याग और तपस, जो गीता में तीन बताए उन्होंने कि एक तो हमें नीचे ले जाने वाले लोग हैं, तो काम क्रोध और लोभ ये हमारे नरक के द्वार हैं, और तीन उन्होंने कहा कि जो तीन जो रास्ते हैं जिसको कहते हैं यज्ञ, तप और दान, तो वो कहते हैं ये हमें ऊपर की ओर ले जाने वाले हैं। तो ये तीन जो हैं ये हमें धर्म को या ब्रह्म को ले जाना। इस तरह से मैं अपनी बात संक्षिप्त में रख रहा हूँ और जी बाकी जो लोग उपस्थित हैं उनको सबको नमस्कार करके आगे चर्चा करें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये जरूरी था कि इस पृष्ठभूमि का हमें अनुमान हो, और महाभारत की इन दोनों आख्यानों का मुझे नहीं ध्यान था, और उसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने ये बताए। और निश्चित रूप से इन आख्यानों को डिकोड करने का एक तरीका, एक प्रोसेस हमें जो है वो भी सीखना होगा, नहीं तो ये आख्यान जो है इनको समझ पाना कई बार मुश्किल होता है। और आपने कुछ और पक्षों पे जो चर्चा की है कि मृत्यु होती ही नहीं है, ये इसने एक नई डायमेंशन इसमें एडअप कर दी है, तो निश्चित रूप से उसको भी अभी हम ओपन हाउस में लेकर के आएंगे। तो समय को ध्यान रखते हुए अब मैं नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन, आई एम इनवाइटिंग प्रोफेसर डॉक्टर रितु शर्मा जी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, DAV PG कॉलेज चंडीगढ़, टू शेयर हर व्यूज। डॉक्टर रितु जी नमस्कार सर, नमस्कार सभी गुणी जनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आशुतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया और इस प्रश्न को उठाया। और मुझे नहीं पता मैं उस वक्त क्या सोच रही थी जब मैंने अपना निजी अनुभव उस ग्रुप पे शेयर कर दिया, यू नो अनकॉन्शियसली। मैं अपनी लैंग्वेज के लिए आप सबसे बहुत बहुत पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि हम त्रिशंकु लोग होते हैं जो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, तो हमारी ना हिंदी सही होती है ना इंग्लिश, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं बीच बीच में जो वर्ड मुझे सही लगेगा कि मैं व्यक्त कर पा रही हूँ अपने आप को, मैं उसी लैंग्वेज में उसी शब्दों को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। अब मैं राजेंद्र प्रसाद सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आपने वो प्रश्न उठाए आशुतोष सर, तो मुझे एकदम से मेरा निजी अनुभव मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मेरे लिए अपने फादर की डेथ को एक्सेप्ट करना बहुत चैलेंजिंग था, बहुत स्ट्रगल मैंने किया। मैंने 4 महीने डिप्रेशन की गोलियां खाई, एंटी डिप्रेसेंट मुझे डॉक्टर्स ने दिए, मेरी एंजियोग्राफी हुई, क्योंकि जब सडनली आपके बीच में से आपका जन्मदाता चला जाता है तो नेचुरली, और वो बीमार ज़्यादा नहीं हुए, शॉकिंग था, ट्रेजिक था मेरे लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वो अब यहाँ नहीं है, मैं उनको नहीं देख पाऊँगी। तो ये जो अनुभव मेरे थे, मैं उनको शब्द नहीं दे पा रही थी, मैं उनको समझ नहीं पा रही थी। आज राजेंद्र सर ने जो बात किए हैं, जो शास्त्रों का और जो हमारे उपनिषदों के थ्रू हमें बताया है कि कैसे शब्द अमर हैं, संस्कार अमर हैं, सिर्फ शरीर मरता है, उनकी ये बात मेरे बहुत सारे प्रश्नों का मुझे आज उत्तर मिला कि मुझे जो लग रहा था कि ही इज़ स्टिल विद मी। मैंने जैसे अपने मैसेज में भी लिखा, मुझे लग रहा है कि ही इज़ ब्रीदिंग थ्रू मी, ही इज़ लिविंग थ्रू मी, और वो मुझसे अलग हुए ही नहीं हैं। तो आज आपने इसको एक सब्सटेंशियल फॉर्म दे दी है मेरे इस थॉट को, क्योंकि कई बार आपको ऐसे लगता है कि शायद आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हो ये सोच के कि वो नहीं गए हैं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं वो आपको नज़र नहीं आते हैं। तो ये भी एक सत्य है कि फॉर्म तो नहीं है, वो बॉडी तो नहीं है, और लेकिन अब आप अपने आप को सिर्फ बहला रहे हैं ये बोल के कि नहीं ही इज़ विद मी। तो मुझे जो राजेंद्र सर का आज मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही ये नहीं मानती हूँ कि मृत्यु नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद और बहुत सारे, आपने जो इतने कम समय में आप जो बोल सकते थे आपने बताया, शेयर किया, तो उससे मेरा ये जो अनुभव है उसको एक शेप मिल गई है, उसको एक सब्सटेंशियल प्रूफ मिल गया है कि ये मेरा क्योंकि नहीं तो कई बार हमें लगता है कि ये मेरी एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ये मेरी एक इंडिविजुअल ओपिनियन है और इसका कोई आधार नहीं है। तो मैं कहूँगी आपने मेरी सोच को, मेरे विचारों को एक आज आधार दिया है, आशुतोष सर और राजेंद्र सर, आप दोनों को सुनकर मुझे ऐसे लगा। तो मैं जैसे बता रही थी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया ये एक्सेप्ट करने के लिए। मैं ये एक्सेप्ट अभी भी, अगर मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि बेटी जब जाती है तो और जब फादर जब सामने घर में मिलते हैं आपको, तो आपको तब लगता है कि हाँ आप अपने घर आए हो। तो आज भी मैं जब अपने घर जाती हूँ, 6 महीने हो जाएंगे मेरे फादर की डेथ को, तो मेरा घर के अंदर जाने का मन नहीं करता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरे इनिशियली, अगर आप मुझे 2 महीने पहले बोलने को कहते शायद मैं नहीं बोल पाती, क्योंकि मुझे लगता है नेचर जो हमें जो लॉस दे रही है, जो हमें एक्सपीरियंस दे रही है, वो हमारे कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए है, हमारी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के लिए है। तो मेरा ये जो लॉस है इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मुझे लग रहा था कि लाइफ इज नथिंग, यू नो, सो आई वाज सो डिसिल्यूजन। मेरा ना उठने का मन करता था, ना खाने का, ना काम पर जाने का, ना किसी से बात करने का। तो आई बीन थ्रू दैट फेज। तो ये फेज से जब आप निकलते हो तब आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो कि आप 40 साल 45 साल जिए हो और आप सडनली ऐसे जाते हो, तो क्या आपका, मतलब आई मीन आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस, कि मतलब सब कुछ फ्यूटाइल है, मीनिंगलेस है। तो वो उस अवस्था से आप निकल कर फिर जब आप उतनी प्रॉक्सिमिटी फील करते हो, उतना क्लोजनेस फील करते हो, और फिर लेकिन आपको ये लगता है कि ये भ्रम तो नहीं है, आप अपने आप को डिसीव तो नहीं कर रहे हो, एक डिसेप्शन तो नहीं है। लेकिन आज मैं आपका मन से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रश्न को उठाया, और मैं फॉर्चुनेटली आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और मैं उसको पढ़ा मैंने, और मैं आज इसका जो डिस्कशन हो रहा है उसका मैं पार्ट बन पाई। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि मृत्यु और जन्म एक्चुअली जो मुझे फील हो रहा था कि वो कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि जब राजेंद्र सर आपने बोला शब्द अमर हैं, तो एक्चुअली मुझे उनके शब्द सुनाई देते हैं। वो यही बोलते थे कि शरीर तो एक मशीन है, यू नो, ये कभी भी बंद हो जाती है। तो ये ऐसे जब वो शब्द बोला करते थे, या लाभ हानि पे वो मुझे समझाया करते थे कि ये जिंदगी का हिस्सा है, तो वो उनके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं जब मैं ऐसे किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर रही होती हूँ। तो शब्द सच में अमर हैं, संस्कार अमर हैं, जो कुछ है जो हमारे अंदर जेनेटिक जीन्स जो हमारे अंदर पास ऑन होता है थ्रू आवर पेरेंट्स, तो दे नेवर डाई। तो अब ये मेरा बिलीफ कहीं ना कहीं बहुत इस बात को मैं लगी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस डिस्कशन का पार्ट बनाया। आशुतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आई एम सो ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन मिलती है, एक नई एक्सपेंशन मिलती है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम for sharing your feelings, your thoughts and your emotions, and we respect that. और बल्कि आपकी बात सुनते सुनते मुझे ये भी ध्यान आया कि जेनेटिकली तो हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा परदादा, नकड़दादा, लकड़दादा सारे जीवित हैं, तो मृत्यु हुई कहाँ? तो डॉक्टर राजेंद्र जी जो ये कह रहे थे कि मृत्यु होती ही नहीं, फिलोसफिकली हालांकि वो लॉजिकली प्रूव किया जा सकता है, तो लेकिन इस दृष्टि से जेनेटिकली अगर आप देखें तो वो सारे के सारे अंशतः तो हमारे भीतर ही विद्यमान हैं। तो इसलिए केवल हमें डिकोड करना नहीं आता, हम समझ नहीं पाते कि ये लार्जर प्लान्स, कॉस्मिक प्लान्स क्या हैं, लेकिन ये पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो नाउ आई एम इन्वाइटिंग डॉक्टर राजश्री वासुदेवन। शी इज़ द फाउंडर ऑफ स्पंद अभिनव होलिस्टिक Initiative. She is from Chennai, and I invite her to share her views. My respects to everybody present. It was a wonderful session listening to Rajendra Prasad and Ritu Sharma ma'am. I would like to just repeat the story. I think there's some amount of echo. So thank you so much, sir, for inviting me. And there are some personal observations that I would like to make here. This is about a story about a young child. She was the last born of four daughters, fourth daughter. And the parents had lost the first child, who was a male child. So they were very much looking forward to having a male child. And finally, the fourth was also born as a daughter. But this child, from the time she was born, when she could start talking, when she was about even 1.5 to 2 years, when you start articulating sounds, she was very clear that these were not her parents, that she has come from somewhere else and she has been planted over here. And it is something temporary that she's going to be here and she's going to move on from this particular family. Everybody in the family was very good to her, whether it was the parents or the three elder sisters or other relatives, yet she was not particularly comfortable. She wanted to leave. But in the process of leaving, she realized that the mother especially, because she had lost her son, she was dressing her up like a boy. She was making her wear shorts and shirt, boys' boots, cutting her hair short. And then she started telling, this child would speak, though she was born into a traditional Tamil family, a family from Tamil Nadu, but settled in working in Odisha, this child would speak only either Hindi or Odia. She didn't understand a word of Tamil. She wouldn't speak any Tamil. And she hated English. It was as simple as that. There was such a strong aversion towards English. And anybody who spoke English, she would not reply to them. And even when she was about 2.5, she would tell this mother, that मुझे क्यों ये boys boots पहनाए हैं, मेरा hair क्यों इतना short cut किए हैं, why am I wearing shirt and shorts, क्योंकि मेरा तो बहुत लंबा बाल है. And she used to say, मुझे क्यों ये राजू राजू करके बुला रहे हैं लड़के का नाम, मेरा नाम तो सौदामिनी है, मेरे तो घर वहाँ है, मैं लेके जाती हूँ आपको, मेरा घर कहाँ है, मैं दिखाती हूँ आपको वो घर कैसा है. Or she would give a lot of description and tell many things which were not anywhere in that city. The place that I'm talking about, that was a township called as Raurkela, which has a steel plant and it is in North Orissa. But she would keep talking about a place in Cuttack, about that house. And she would say that, take me there. This is not where I'm supposed to be. Even food, jo khana dete the, she would refuse to eat that, saying she didn't know how to eat it. And as I said, she would never speak any Tamil. So the parents got a little worked up and they said, okay, now in a few years, in 2 years, we'll put her in school. Maybe when she moves with other children in a play school or something, she'll open up and she'll be a better child. So she said, I don't want to go to school. Why should I go to school when I have already completed BSc Chemistry? This is a child of 2.5 years. A child who doesn't know what is chemistry, doesn't know what is a degree college, doesn't know what is a college. And she actually mentions the name of the college also. She says, I have done BSc Chemistry in Ravenshaw College, which is in Cuttack. And so I don't want to go to school. I've already finished schooling. I finished college also. Why are you putting me back in school? So it was a lot of confusion for the parents. So they contacted an astrologer in Kerala. And they kya bolte hain ki prashna dekhte hain karke. So he did some kind of puja and he found out that these were all memories of an earlier birth and that till the age of 7, the child is going to have all these memories, very strong memories. And at 7 years, there is going to be a major, what he called as Ghanda. That is going to, there's going to be a major event, an occurrence in the child's life. So you should be careful. Now, the family had a habit of going to Puri and Bhuvaneshwar, Konark, all these places for vacation. So when she was around 7 years, they went to Puri and Bhuvaneshwar and she was running fever that day. So the parents said that you just sit on the step of the beach. There's a Puri beach is very long. It's a huge thing. So they will go for their customary bath in the sea, the parents and two sisters, and they didn't allow the child to sit there. This child was sitting right at the end of the beach, where there are steps which go on to the road. She was sitting there with all the things. And suddenly in the mid-afternoon, there was a huge sound, a huge like visport, there was a sound. And from the sea, one big wave, it just came It covered the parents who were standing there at the beach, covered them and came straight for the child who is sitting at the first step of that entire series of steps leading to the road. And she could just hear her parents and other people screaming, you know, "Bhago, bhago." So she just ran, got up from there and started running. This water actually followed her right up to the top of the stairs, covered her completely, and the child became unconscious. And then it went back. It took some time for her to be brought back to consciousness. And of course, she was attended to and she had fever and all. But there was a slight change thereafter. And that was the big ganda that she had, the obstacle that she had to overcome. Why I'm telling you all this with so much of conviction and so much of memory of what has happened is because the child is me. I was a child. I was that last fourth-born girl who went through all these problems when she was a child and who found it very difficult to accept this family that she had been put into. And I kept questioning them, asking them, "Who are you? Why are you not taking me back to where I belong?" And even though everybody was very nice to me, I was not comfortable. And there was a situation where after this incident took place, we were going by the road in Cuttack. I was only about 7 years. And suddenly I told my father, "Ruko, ruko," because I realized that we were passing a very familiar area. And I told them, "Please turn on the right. And I want to go just about fourth house down that road is my house." And surprisingly, it was a lane adjacent to Ravenshaw College. And I, as a child, I hadn't actually seen Ravenshaw College, but I knew it was there. And I also knew that it was this lane in which my parents, whom I claimed were my parents, were staying. My father was, of course, a little interested because he was a very scientific person and he wanted to know, find out, is this true or not? But my mother was a little apprehensive and she said that there are many stories nowadays of children who say such things and go and stay with their parents whom they identify. So would you like to let go of this child if she decides to do that? My father was extremely fond of me because he thought I was his mother reborn because I looked like her and had a lot of mannerisms. So he said, "No, I don't want to let go." And we moved on. But these memories, though they have become diluted or lesser over the years, I still can relate to the fact that I was, actually when we did the puja, we found out. And I used to also say, because I had tremendous fear of seeing a large body of water in the night. I believed that I was a student revolutionary, myself and my brother. And both of us had tried to escape from the British. And they chased us into the Puri Sea and we drowned in the Puri Sea. So I used to be very scared till the age of 8, till this incident happened, to see any body of water like a dam or sea in the night. But after this incident, when the Puri, literally the Bay of Bengal came over me, after that I have lost my fear. But it was also one of the reasons why I refused to study English because I had so much anger against the colonial power. It was my father's effort to teach me 20-25 English words every day with a lot of patience because he told me that if you really are so angry with them, the best way to show that you are not at all happy with what they did to your country is to study their language and speak like a professional in their language. Only then they will appreciate what you are doing. This was his advice to me. And surprisingly, because of that, whether it was in school or in college, I got the highest marks in English. But that was like with a vengeance. I studied the language with a vengeance. And till the age of 8, I couldn't speak a word of Tamil at all, which is actually my mother tongue. I could speak only Hindi and Odia. And over a period of time, of course, I have my fluency in Odia has become much lesser. But people from Odisha, even though they are unconnected to the situation, even with reference to my own research work, I actually registered under Dr. S.G. Mudgal in Mumbai about 35 years ago, but he became very serious, so I couldn't continue under him. I went to Pondicherry. I was supposed to go under Dr. R. Balasubramaniam, who was the former chairman of ICPR, South Indian, but I couldn't register under him. I came back to Madras University, and when I went to the university, I actually registered under an Odia, Dr. Godabarisha Mishra. So the Odia connection continues to come, even though it's not even directly connected with Tamil Nadu. But there are many ways in which I find people, I meet people in different places who seem to tell me that they know me, even though I have never met them before. So this is my experience of what is called as past life. And for me, that means death has been a kind of a enforced situation where I had to give up my body because I was being pursued by a certain set of people, the colonial powers. And I feel that maybe because that was not the time for me to die, I still had so many of these vasanas or memories in this birth. That is my understanding. But even today, I have this very strange notion that whenever I'm doing something, even now when I'm talking to all of you, I'm seeing myself talking to all of you. There is something like out of body experience. I can see myself elsewhere, watching me, doing something, watching me, talking to you. It's a very strange kind of feeling. Almost as if there's some Sakshi standing there where I'm the Sakshi and I'm the person doing also. But this has happened very often. I don't have very clear-cut explanations for any of these, but it has changed my entire attitude towards life because I realized that we are here for a short period, for a certain purpose. And when or God, or whatever we would like to call, then we move on. And then we move on, take on another deha, because I think even for body, as I said, we call it as dehanta, end of the body, not of the atma. So the atma is going to continue. And we take on newer and newer forms based on what we have done in the earlier lives. So that is my just my observation that I wanted to share. And I would really like to thank Ashutosh sir for giving me this opportunity because I want to tell very honestly that I have never shared this on a public platform because it has been a very personal experience and it has given me a lot of struggle. My family has been extremely supportive and there have been occasions where when I would go into a daze, I would actually start talking in a different language, maybe it was Odia, and in a different voice. It would not be the voice that I'm speaking now. So there is no explanation for all that. But this is the first time I've shared and I know that this entire group is a very scholarly group and they will sympathize with me. I hope I have not said anything wrong. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for sharing your experiences of your own personal life, and it's really amazing. क्या कहेंगे इसको कि coming terms with this, all this, though I have read a lot about this, and particularly the writings of Dr. Brian Weiss. I read all his books, and one of his student, Akshata Bala, she's from Mysore. She was to join us today in this webinar because she is hypnotist and she is doing this past life experiments, but somehow she is traveling right now, so otherwise it could have been great experience listening to her also, because yes, she has kept records of all those people. But anyway, this is really amazing. I find it difficult to respond to all this. Though we have heard and read so many things about past life and so many other things. But it's amazing. I don't know what to say, how to respond to all this. But wonderful, wonderful. Actually, जो पढ़ा था उसको आज आपने उसके ऊपर मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी. नहीं तो मैं ब्रायन वीस को ऐसे ही, ठीक है वो शौक के लिए पढ़ता है आदमी, और लेकिन दिस इज वंडरफुल, अमेजिंग. तो चलिए देखते हैं. अब 3 लोगों को हमने आज सुना है और हमारे साथ साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं. प्रोफेसर डॉक्टर रवि शर्मा जी फ्रॉम कैलिफोर्निया. तो निश्चित रूप से हम अब ये समय है कि हम ओपन हाउस की ओर चलें और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस या क्वेश्चंस या इसी क्वेश्चन को जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर कि हू डाइज एंड व्हाट डाइज व्हेन वी डाई, तो अगर इसके ऊपर आप लोग कोई रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट प्लीज़ बी वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति के, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई जीवन में दुख ना देखा हो, मृत्यु ना देखा हो। जी जी प्रोफेसर डॉक्टर बीना जी, लेट अस बिगिन विद हर एंड फॉलोड बाय डॉक्टर जी। मैं जी जी प्लीज गो अहेड। हाँ आपका हाँ। तो ये वाली बात मैं थोड़ा शास्त्रीय पक्ष पर ही बोलूंगी। तो शास्त्रीय पक्ष में हम देख सकते हैं जैसे काश्मीर शैव दर्शन है, उस दर्शन की दृष्टि से शिव ही अपने आप को, शिव को पंच कृत्यकारी राजेंद्र जी ने बताया सृष्टि स्थिति संहार, लेकिन उसमें तिरोधान और अनुग्रह भी जुड़ते हैं। तो उसमें शिव जो है, शिव तत्व, वो अपने आप को संचित रूप में प्रकट करता है, अपने विशाल स्वरूप को छुपा लेता है। या इसी तरह से जो बात कही गई कि आत्मा सर्वव्यापी है, ना कहीं आती है ना जाती है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, और वह शरीर में पंचभूत में जब आवृत्त होती है, जैसे एक गुब्बारा हम फुला रहे हैं, हवा जो है जो सब तरफ है, उसको हमने जब गुब्बारे में भर लिया तो वह हमारा शरीर हो गया और हमारे भीतर जो चेतना है उससे हम कार्य कर रहे हैं। जैसे ही वह हवा निकल गई किसी वजह से तो गुब्बारा बना रहता है, लेकिन फिर भी गुब्बारे से वह कार्य नहीं हो सकता। या जैसे शंकर ने कहा है, शंकर के जो है प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्य है। तो जो मतलब हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो फिर हम इस संसार की बात कैसे करेंगे। तो वहां मुझे शंकर की ये बात कि व्यावहारिक सत्य जो है या जीवन जो है उसकी बात करना जरूरी हो जाता है। तो उसकी बात के बारे में वही बातें हैं जो अभी राजेंद्र जी ने भी कही और जो हम साइंटिफिकली भी देखना चाहते हैं, वो बातें यही है कि चेतना जो है हमारे भीतर वो पंचभूत के आवरण में समाई हुई है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जी मैम धन्यवाद। और ये एस्पेक्ट बहुत जरूरी था क्योंकि कश्मीर शैविज्म की दृष्टि से तो मुझे लगता है मृत्यु संभव ही नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव शायद शब्दावली भी उन्होंने इसीलिए उन्मीलन निमीलन ये शब्दावली ही उन्होंने प्रयोग इस तरह की है। बहुत अच्छा आपने ये पक्ष भी रखा है हमारे सामने। इसके बाद डॉक्टर सुबोध शर्मा जी, देन फॉलोड बाय डॉक्टर इंदू शर्मा। सुबोध जी। प्रणाम। प्रणाम सर। जी जी नमस्कार। आपके इस बार मृत्यु के इस प्रश्न पे बहुत अच्छी एक्टिविटी जनरेट हुई है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत आरंभिक बात जिससे ये आपने सारी कहानी शुरू की थी, वो आपने गीता से एक उदाहरण दिया था, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। अक्सर जब मृत्यु की बात होती है तो यही श्लोक बहुत से लोग बोलते हैं, पर वास्तव में यह श्लोक भगवान ने अपनी तरफ से नहीं कहा है। भगवान ने उससे पहले वाले श्लोक में कंडीशन लगाई है कि अगर तू इसे नित्य जन्मता हुआ और मरता हुआ मानता है तो जो जन्मेगा उसकी मृत्यु होती है। उस फॉर्मूले से भगवान स्वयं जब अपनी बात कहते हैं तो वो तो कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित्। इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं जो न जायते म्रियते, तो मृत्यु है ही नहीं। और यही बात सनत सुजात भगवान ने इस पर्व में, सनत सुजातीय पर्व में, जिसके बारे में शायद बहुत विस्तार में चर्चा करनी अभी संभव नहीं है, पर वहाँ पर उन्होंने बार बार कहा है मृत्यु नास्ति इति, मृत्यु है ही नहीं। और ये छांदोग्य उपनिषद में भी उनका वचन है। और वहीं पर जो विवेकी पुरुष की जब बात करते हैं भगवान सनत्सुजाती, तो वो ये कहते हैं कि जो विवेकी आदमी है, विवेकी पुरुष है, वो मृत्यु को भी मार देता है, मतलब वो मृत्यु से आगे निकल जाता है। तो ये कह के बस मैं इतना ही कहता जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपने बिल्कुल सही दिशा में हमारी बात को दिशा, बिल्कुल उचित दिशा दी है और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। यही बात है कि आप जैसे विद्वानों की हमें अपेक्षा रहती है कि जो हमारा स्तर भी बढ़ाएं, हमारी दिशा को भी सटीक करें, क्योंकि हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं। अभी शब्दों का ना तो वैसा अभ्यास है, ना भाषा पे उतना अधिकार है, और ना विचार तालमेल भाषा के साथ पूरी तरह बिठा पाते हैं। तो आप जैसे विद्वानों का निश्चित रूप से हमें आवश्यकता है कि आप हमारा निर्देशन करें, और आगे भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगले विषयों के साथ हमारे साथ जुड़े आप जी। डॉक्टर इंदु जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत सभी को प्रणाम। सर मैं आपसे मतलब मैडम की बात सुनी, रितु मैडम की, वास्तव में ये बहुत डिप्रेशन वाली चीजें होती है, इससे निकलना मुश्किल होता है। मैंने भी सफर किया इससे और वेदनापूर्ण। मैं एक सामान्य इंसान की तरह प्रश्न पूछ रही हूँ। ऐसे तो आप कह रहे हैं मृत्यु नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को इससे तसल्ली नहीं मिलती है। अब मैं सर जो गुरु जी हैं, राजेंद्र जी सर, उनको प्रणाम करती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि जैसे हम श्राद्ध क्रम निकालते हैं, हम मानते हैं सामान्य रूप में कि वो चले गए छोड़ के, श्राद्ध क्रम निकाल रहे, कहीं भी लेंगे। अब वो दूसरे जन्म में किसी भी मनवंतर में पैदा हुए, संबंध हुए, हम उनके श्राद्ध निकालते हैं, वो जीवित थे, काम कर रहे हैं, उनका संबंध कैसे स्थापित होता है फिर अगर जन्म ले लेते हैं तो उस आत्म, उस जीव। और दूसरा ये है कि अगर वो कहीं पर जन्म भी ले लिया, चल रहा है ना, ऐसा लेकिन वो सत्संग में आके हमें निर्देश देते हैं, ये सब कंडीशन कैसे क्रिएट होती है, ये मैं एक सामान्य इंसान की तरह जिज्ञासा मेरी है, तो मैं इसे जानना चाहती हूँ। बस मेरा यही पूछना था। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है, और लास्ट कंक्लूडिंग जब करेंगे तो उसमें इन प्रश्नों को, आपके प्रश्नों का उत्तर भी लेंगे जी। डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी। आशुतोष जी नमस्कार, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल स्पष्ट है। सर कुछ नया नहीं जोड़ रहा हूँ मैं। जो प्रसाद साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, और भगवत गीता के संदर्भ में तो यदि हम चर्चा करें तो बहुत व्यापक चर्चा हो जाएगी। केवल सूचनार्थ ही कह सकते, ये शेयर कर रहा हूं आपसे कि इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक जजमेंट दिए हैं, जिनमें एक शानबाग केस मशहूर है और एक 2018 का कॉमन कॉज। उस कॉमन कॉज में जस्टिस अशोक भूषण ने भगवत गीता को भी कोट किया है। इन दोनों ही जजमेंट्स का जो मूल था कि वेदर वी हैव राइट टू डाई, इच्छा मृत्यु को लेकर था, वो उसमें भी शास्त्रों को उद्धृत किया गया है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ सर, भगवत गीता के संदर्भ में यदि आप देखें, यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो वहां स्पष्ट है। और इस पुनर्जन्म की जो बात है, इसको मैं इस बात, इसकी वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, बल्कि ये वैज्ञानिक सत्य है। क्योंकि जब हम बात करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर की, जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो वो जो डीएनए की थ्योरी है वो किस पर निर्भर करती है? और अब तो आप देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा साइंस ने विकास किया है कि डीएनए के माध्यम से आप अपने पूर्वजों, जो आपने, मुझे नहीं पता वो बड़े शब्द बोले थे आपने, दादा, परदादा, लगर दादा और कौन कौन से, उनसे भी यदि आगे के कोई पूर्वज हैं उनका ही बता देते हैं। तो मेरा केवल इतना कहना है कि वास्तव में यदि आप देखें मृत्यु क्या है, मृत्यु कुछ नहीं है, वो तो क्या है कि एक जर्नी है आपकी मोक्ष को पाने की। यदि आप भगवत गीता के संदर्भ में या भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखें, तो जिसमें मृत्यु जो है वो एक पड़ाव कह सकते हैं आप, कि एक स्थान से आपने मोक्ष तक जाना है और आपको नहीं मालूम, यह मैं मान सकता हूँ कि भी हम कितनी दूर तक पहुंचे हैं। यदि उस तक नहीं पहुंचे मोक्ष तक तो वो अगले जन्म में पहुंच जाएंगे। और इसीलिए थोड़ा हटके कह रहा हूँ सर मैं एक बात कि हमारे यहाँ कुछ भ्रांतियां उत्पन्न कर दी गई हैं। जैसे अक्सर सुनते होंगे कि तू क्या लाया था क्या ले जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। और ऐसा आपको बताऊं मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब तो फिल्मी गाने भी हमारे जजमेंट्स का हिस्सा हैं। कॉमन कॉज में उन्होंने एक गाना भी यूज किया है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का, रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जाएगा। तो हमारे जो कर्म हैं ये हमारे साथ जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी मृत्यु तो हुई नहीं है, केवल जो हमारे स्थूल शरीर था वो व्यक्त से अव्यक्त की ओर चला गया। और वो जो अव्यक्त है वो पुनर्जन्म के रूप में, जो दूसरों को नहीं पता होगा, वो हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा भी है कि अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब मालूम है और तेरे को वो भूल गए हैं। तो इसलिए मृत्यु जो है इट शुड बी सेलिब्रेटेड। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में जो मैं कहना चाह रहा हूं सर वो ये है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। जो भारतीय संस्कृति कहती है कि सत्कर्मों के माध्यम से हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसका उपाय क्या है वो भी उन्होंने बता दिया है। इसलिए मृत्यु जो है मैं तो ये समझता हूँ कि एक स्टोन मील का बता रहे हैं कि दूर है। तो इसलिए इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मृत्यु को जो है केवल हम पड़ाव माने। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये वैसे इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन आपने हमारे साथ शेयर की है कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल यहाँ पे भी दे दिया है और बड़ा लॉजिकल दिया सर। जी जी जी, मैं हाँ समझ सकता हूँ। और आप शेयर कीजिएगा उसको प्लीज, ये जो उनकी जजमेंट है तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी सर प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए अरुण जी। हेलो जी सर प्लीज गो अहेड। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा भी पूर्व जन्मों का स्मरण है, पिछले 3 जन्मों का आंशिक स्मरण है, लेकिन पूर्व जन्म की भाषा का स्मरण नहीं है। एक ही प्रभाव था कि 2 जन्म पूर्व मैं तंजावुर में मराठा सेना में था, अंग्रेजों से जान बचाने के लिए छिपा हुआ था एक गुफा में जहाँ मेरी मृत्यु हुई थी। तो इसलिए बचपन में मुझे भी अंग्रेजी से घृणा थी। मेरे पिताजी ने भी यही कहा कि अंग्रेजी से घृणा का यही उपयोग है कि तुम अंग्रेजों से ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी समझ लो। और उन्होंने संस्कृत पढ़ाने का, वेद पाठ कराने का अभ्यास कराया था मुझे, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया। कितना भी अभ्यास करने पर मेरा स्वाभाविक उच्चारण दक्षिणात्य शैली में होता था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया मुझे वेद पढ़ाना। तो ये 2 प्रभाव थे। और कई बार जो पिछले पूर्व जन्मों का पढ़ा हुआ है वो आवेश में स्मरण आ जाता है। किसी भूल चर्चा पर क्रोध आ जाए या कुछ कोई प्रसंग आ जाए तो उस प्रसंग का याद आ जाता है पिछले पूर्व जन्मों का पढ़ा हुआ। तो ये तो व्यक्तिगत अनुभव है। दूसरा, मैं पुनर्जन्मों के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। वर्तमान जो हमारा जीवन है इसके 3 आधार हैं जिनके कारण 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला तो हमारे अपने पिछले जन्मों का प्रभाव है। दूसरा यह है कि माता पिता और आनुवंशिक प्रभाव जो है। और तीसरा यह है कि गर्भ काल में नक्षत्रों का प्रभाव है, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ। ये वेद के अनुसार 3 प्रकार के हमारे प्रभाव है। तीनों प्रकार के प्रभावों की गणना भी है कि किसके कितने प्रभाव होते हैं। तो 7 पीढ़ी तक का प्रभाव हम मानते हैं आनुवंशिक प्रभाव यह है। उसी तरह से हमारा जो मृत्यु के बाद की गति है उसमें भी कई प्रकार के अंतर हैं। एक जो महान आत्मा है उसका एक अंश चंद्रमा पर आता है, उसका पुनर्जन्म होता है। वह दूसरा है कि जो सौर मंडल को पार कर जाता है जो भाग, वो भी महान आत्मा का एक अंश है। बाकी पार्ट सौर मंडल के भीतर ही रहते हैं। महान आत्मा का एक जो अंश जो महरलोक में जाता है वह एक कल्प तक रहता है। विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 7वें अध्याय में है यत्र ते कल्पवासिना। तो सौर मंडल, हम लोग सौर मंडल को स्वर्ग कहते हैं, स्वलोक को। पाश्चात्य या अब्राह्मिक परंपरा में जनालोक को स्वर्ग कहते हैं, जो कि वरुण स्वर्ग कहा जाता था वेद में, और उसको जनालोक को जन्नत कहते हैं। तो जन्नत में एक कल्प तक आत्मा रहती है, उसका ये अर्थ है। वो भी एक पृथ्वी है, काश्यपी पृथ्वी, ब्रह्मांड जो तीसरी बड़ी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में एक कल्प तक रहते हैं, इस पृथ्वी ग्रह पर नहीं रहते हैं पुराणों के अनुसार। तो उन लोगों का ये भ्रम है कि इसी पृथ्वी पर एक कल्प तक रहते हैं और कयामत के बाद लोग फिर अल्लाह पूछेंगे या गॉड पूछेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि यत्र ते कल्पवासिना, महरलोक में जो आत्मा जाती है, महरलोक को पार करती है, वो एक कल्प तक रहती है। तो उसका एक भाग जो चंद्रलोक का जो महरलोक है, उसका एक भाग पुनर्जन्म होता है। मान लीजिए कि जिसका पुनर्जन्म हो चुका है, जैसे मेरे पिता या पितामह या और कोई भी मृत व्यक्ति, तब भी उनकी आत्मा को बुलाया जा सकता है। जिस आत्मा के जिस अंश का पुनर्जन्म नहीं हुआ है, उस अंश को बुलाया जा सकता है। और मेरे पिताजी भी पूर्व जन्म की आत्माओं को बुलाने का भी प्रयोग एक आध बार उन्होंने किया था, लेकिन बाद में देखा कि दूसरी आत्माएं आ जाती हैं, वो नाराज होते हो जाते हैं कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने प्रयोग छोड़ दिया और मुझे भी मना किया कि ये प्रयोग नहीं करना है। तो ये संक्षेप में मेरा जन्म पुनर्जन्म का विस्तार। और दूसरा यह है कि पूर्व जन्मों का संस्कार वर्तमान जन्म में किस माध्यम से आता है। तो जैसे तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडलनी के माध्यम से आता है। कुंडलनी पिछले जन्म से इस जन्म में आ जाती है और वही संस्कार आता है जिसका वही कर्म फल आता है जिसका भोग अभी तक नहीं हुआ है, पूरा संस्कार नहीं आता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। वाकई ये तो बड़ी रुचिकर है और बड़ी अच्छी बात है कि आपको 3 जन्मों की स्मृति का आंशिक स्मृति उसकी है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी, वो फॉर्मर आईपीएस रहे हैं उड़ीसा में और संस्कृत और पुलिस स्टडीज़ दोनों का बहुत खूबसूरत उनका मिश्रण है, तो उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके बाद और किसी की कोई पवन सेठी जी, और उसके बाद डॉक्टर रवि जी से मेरा ज़रूर आग्रह रहेगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से वो इस सारे विषय को कैसे देखते हैं। पवन सेठी जी मुंबई से। सर प्रणाम। सर प्रणाम। नमस्कार डॉक्टर। फोरम में आए हुए हर व्यक्ति को मेरा प्रणाम। मेरा एक दृष्टिकोण भी है और एक प्रश्न भी है, क्योंकि जो अनुभूति के लेवल पर चीजें होती हैं वो व्यक्तिगत होती हैं और वो अनकॉन्शियस लेवल पर जाने के बाद अनुभव होता है, जो समाधि की स्थिति में होता है तो ही प्राप्त हो सकता है। और समाधि जो है एक बहुत ही व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है। परंतु जहाँ तक मृत्यु क्या है, अगर इसकी बात की जाए, पहली बात तो यह है कि चाहे मैटर हो चाहे कॉन्शियसनेस हो, दोनों ही एनर्जी के हिस्से हैं। और एनर्जी, जैसा कि हम सब जानते हैं फिजिक्स के लॉ के हिसाब से, कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती है, कभी नष्ट नहीं होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, उसका रूपांतरण होता रहता है। और ये भी निश्चित है कि जो भी मैटर है उसकी एक डिकेइंग स्टेज होती है, और डिकेइंग स्टेज होती है तो क्योंकि पूरे यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है कि हर चीज़ यहाँ साइक्लिक है, और साइक्लिक होने के साथ साथ जो है मैटर जो है वापस एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है और एनर्जी वापस मैटर में आ जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। बाकी जो है, जहाँ तक कि भारतीय दर्शन है उसके अनुसार, यदि हम उसको पुनर्जन्म की बात कहें या उसको उसके साथ कर्म और पुनर्जन्म की बात करते हैं या फेट एंड फ्री विल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं अगर चेतन पक्ष है तो चेतन पक्ष ही डिसाइड करेगा कि मुझे जन्म लेना है कि नहीं लेना। और अगर नहीं है तो अगर स्थूल रूप में देखा जाए तो यदि मैं नष्ट भी हुआ हूँ, मुझे अगर मेरी मृत्यु हो गई, मुझे जला भी दी गया, तो मेरा मैटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जो मेरे कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो वापस अर्थ में जाके मिल जाते हैं और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता हूँ वो पेड़ पौधों में चला जाता है। तो ये जो रूपांतरण ही तो हो रहा है कि मैं वृक्ष बन गया, वृक्ष को जो है गाय खा गई तो उसके पत्ते तो मैं गाय के रूप में आ गया। तो दिस इज ए कंटिन्यूटी। तो मेरे हिसाब से जो है मतलब कि बाकी सब चीज़ें खोजबीन का तरीका हो सकता है, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से सोचने के बाद, कि इसी को रिसाइकलिंग कहा गया है, इसी को एक सिस्टम कहा गया है, इसी को ही जीना मरना का। आप डीएनए में देखिए, डीएनए बेसिकली देखा जाए तो वो आपका पुनर्जन्म ही है, क्योंकि आप जा नहीं रहे, आप धीरे धीरे करते करते अलग अलग योनियों, अलग अलग एजेस के हिसाब से आप अवतरित ही हो रहे हैं। तो ये मेरा एक विचार है, मैं नहीं जानता हूँ कि इसके ऊपर बाकी मूर्धन्य जो है उनका क्या विचार आता है। जी धन्यवाद डॉक्टर, अच्छा आपने वक्तव्य रखा है हमारे साथ, प्रश्न भी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रवि शर्मा जी को कि वो इस विषय के ऊपर अपनी बात रखें। मैं सबको प्रणाम कर एक मेरी कमी ये रही कि आज मैं शुरू से नहीं सम्मिलित हो सका, तो बीच में आया हूँ, इसलिए ज्यादा बोलना उचित नहीं है। दूसरा मेरा विषय यह है कि मैं जन्म और मृत्यु और लाइफ फॉर्म्स को अभी पढ़ रहा हूँ। दयानंद जी भार्गव और डॉक्टर सुबोध शर्मा मेरे बड़े भाई, इन दो से मैं गीता आदि के बारे में सीख रहा हूँ, और श्री जानकी राम जी शास्त्री से मैं थोड़ा बहुत शास्त्र का पक्ष भी सीख रहा हूँ। लेकिन कठोपनिषद में खूब कहा हुआ है, गीता में खूब कहा हुआ है। मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, जैसा अभी सेठी साहब ने बताया, लेकिन मैं आपको वेद में से कुछ निकली हुई बातें एक छोटे से पक्ष की साझा करना चाहता हूँ, एक या दो। मृत्यु अमृत में यहाँ पर पार्टिकल फिजिक्स की दृष्टि से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखिए। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हैं अमृत, और न्यूट्रॉन है मृत्यु, जिसमें चार्ज नहीं है वो है मृत्यु, और ऐसा लिखा हुआ है ऋग्वेद। दूसरा, ये जो न्यूक्लियस बनता है, एटॉमिक न्यूक्लियस, ये विष्णु की इच्छा से बनता है, और विष्णु की इच्छा से डिसइंटीग्रेट भी हो जाता है। ये भी एक पक्ष है पदार्थ एनर्जी का होना नहीं होना। लेकिन एक बात वेद से मालूम पड़ती है जो फिजिक्स के बियॉन्ड है, वो ये है कि ये सारी रित और जो मैटर है, जो इंद्र वाला काम है, ये दोनों जाकर ब्रह्म में लीन हो जाती। इसका मतलब मैटर एनर्जी भी कंजर्व नहीं होती है, वो वापस जहाँ से आई थी वहाँ चली जाती है। ये अपने वेद की खूबी है। जब वो चालू होती है तो उसमें रुद्र का भी अंश आता है, और फिर विष्णु आते हैं। बस इतना कह के मैं चुप हो जाऊंगा। प्रणाम कर धन्यवाद डॉक्टर। और ये पक्ष मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें अभी और इसका विस्तार पूर्वक जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, इसका विश्लेषण करना कि किस तरह से जो वैज्ञानिक सिद्धांत और वैदिक दृष्टि है, प्रातिभ दृष्टि बल्कि मैं कहूँगा उसको, कि प्रातिभ दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि के किस तरह से इस सामंजस्य को हम ठीक से समझें, ताकि जो भारतीय विचारधारा है उसको हम सुप्रतिष्ठित कर सकें और उसको प्रभावी भी बना सकें। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर द्विवेदी फिलॉसफी डिपार्टमेंट बनारस से जुड़ी हुई थी। अगर वो हैं तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी मैम, आई होप आई एम राइट कि यू आर फ्रॉम बनारस डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपको देखा जी। प्लीज जरूर चाहूंगा कि इसके ऊपर एक कमेंट आप करें। ये मृत्यु ऐसा विषय है जिसका हर किसी का किसी न किसी रूप में हुआ है। ये क्योंकि प्रत्येक परिवार में मृत्यु होती है और अपने जाते हैं, तो किंतु एक मन में जिज्ञासा रहती है जो सबकी है कि कौन मरता है। और ये प्रश्न यहाँ पर भी अनुत्तरित ही रहा कि कौन मरता है, रहता जो सभी शरीर है ही है, इंद्रियां भी जी रही हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वो चेतना जो दिखती है वो कहाँ गई वो नहीं समझ आता। और एक दूसरी जिज्ञासा जो मेरे अंदर थी, मैं इस पर कमेंट करना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसी विद्या अभी तक तो मेरे पढ़ने में नहीं आई कि मैं अपना अगला जन्म उस रूप में देख पाऊं कि मुझे अगले जन्म में इस जन्म की स्मृति हो। इस जन्म में तो पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं है, किसी किसी को ही है, लेकिन क्या हम इस तरह की कोई ये सत्कर्म कर सकें या कोई विद्या ग्रहण कर सकें ताकि हमारा इच्छित अगले जन्म जो हमारी का जन्म हो उसमें मुझे पूर्व जन्म की स्मृतियां रहें। क्या अधिकतर लोग तो मुख्य ही बात करते हैं कि मेरा ये पुनर्भव न हो, मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकूं, किंतु क्या इस तरह का की भी विद्याएं अभी तक तो देखने में नहीं आई है कि मैं अगले जन्म में अपना इच्छित जन्म पा सकूं और जहां मुझे पूर्व जन्म की स्मृतियां शेष हों। अगर जो ये जो आत्मा की अमरता की बात कही जाती है, आत्मा अमर है और हम लोग का इसमें जन्म से इसको स्वीकार करते हुए, बचपन से स्वीकार करते हुए हमारे अंदर संस्कार बन जाते हैं। हम ये जानते हैं कि नहीं, ये हमारा, हम अमर हैं, पुत्र के रूप में हो अमर या अपने परंपरा के रूप में अमर हो, किंतु ये एक अनकॉन्शियसली हमारे विचारों में ये बातें हैं कि हम अमर हैं और इतनी आसानी से हमारा जो है मोक्ष भी नहीं होने वाला है। किंतु अगर पुनर्जन्म हो तो क्या हम अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को इस जन्म में कुछ कर्म के द्वारा, कुछ विद्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी एक छोटे से पॉइंट के साथ मैडम देखिए इस जन्म की स्मृतियों से तो मुक्त होने की तो सबसे बड़ी समस्या है। इतना जो आधे से ज्यादा अमेरिका बीमार है वो अपनी मेमोरीज से बीमार है। साइकोलॉजिकल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि हम तो साइकेट्रिस्ट और जितने आप देखते हैं वो सारे आदमी ट्रीट किस चीज को कर रहे हैं, इसी चीज को तो ट्रीट कर रहे हैं कि भाई आदमी स्मृतियों से दुखी है, उनका भार ही नहीं ढो पाता और पिछले जन्मों का भार। चलिए, लेकिन ये रुचिकर बात है। तो इसका वैसे एक उपाय है, पिछले जन्मों को अगर आप स्मरण करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ को, तो उसके लिए हिप्नोसिस या हिप्नोटिस्ट जो हैं उनके पास हम जा सकते हैं। वो हमें पूर्व जन्मों के जो है वो स्मरण दिला सकते हैं। और जैसा कि हमारी कोशिश थी कि डॉक्टर अक्षता बाला मैसूर से वो हमारे साथ जुड़ पाती, तो लेकिन अभी जब हम कॉन्शियसनेस के ऊपर जब चर्चा करेंगे आगे और फिर उनको आमंत्रित करेंगे कि कॉन्शियसनेस के इश्यूज क्या होते हैं, कैसे वो डील करते हैं, तो मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप उनके साथ मिल भी सकते हैं। और शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो डॉक्टर साहब ने आपसे ये पूछा है कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसी प्रकार से संबंधित हैं? नहीं। ओके, ठीक है। तो किसी और की कोई टिप्पणी या कोई और प्रश्न, किसी का कोई अगर है तो फिर मैं जी जाते जाते एक प्रश्न मैं उठाना था जी, ये जिसमें पुनर्जन्म की बात हो रही है, तो एक विचार है, मतलब अभी इसमें और काम करने की जरूरत है कि अगर मैं ईश्वर का अंश हूँ, भगवान का ही वचन है ममै वंशो जीवलोके, तो अगर मैं ईश्वर का अंश हूँ तो किसकी ताकत है जो मुझे अगले जन्म में गधा, घोड़ा या कुत्ता या कोई दूसरा जीव बना दे। मैं जो मैं चाहूँगा वो मैं करूँगा और इस जन्म का भी मृत्यु अर्थात देह का त्याग, वो भी मैं अपनी आसक्ति का त्याग करूंगा उस देह के साथ, तभी होगा, वरना इस जन्म में भी मैं देह से चिपटा रहूंगा जब तक कि वो देह इस इतनी खराब नहीं हो जाती कि वो आगे चला ही नहीं जा सकती। ये दो प्रश्न जी डॉक्टर साहब, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें आपके आने से मैं अपने आप को बहुत सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ और मैं डॉक्टर रवि जी का आभारी हूँ। और निश्चित रूप से मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का स्वागत करने के लिए कि आप जैसे विद्वान जो हैं उनकी वाणी मुझे सुनने को मिल रही है। मैं आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ और आंगिरस परिवार की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। जी मैडम संगीता शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। ये मैंने आज पहले भी मैंने देखा था, इसका लिंक आता था, पहली बार ज्वाइन किया। जब मैं ज्वाइन किया तो ये बात हो रही थी आत्मा को बुलाने की, है ना। तो मेरे दिमाग में जो प्रश्न आया वो ये था कि जब हम बुलाते हैं तो जैसे उस आत्मा की आवाज क्या रहती होगी, कि जैसे कोई 90 वर्ष में जैसे अभी कोई जाता है तो उसकी आवाज सुनने ये वो की क्षमता या बोलने का स्टाइल वो अलग हो चुका होता है। तो जब हम जैसे वो बात कर रहे थे जो कि बुलाते हैं, उन्होंने अपने पिताजी को जैसे बुलाने की कोशिश की, तो जब हम उनसे वार्तालाप करते हैं तो उस टाइम उनकी आवाज क्या एक बच्चे जैसी या बड़े जी, यानी कि भूत विद्या। मुझे लगता है भूत विद्या के ऊपर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए किसी और की कोई टिप्पणी है तो अच्छा डॉक्टर कुंद्रा जी। मैं संगीता शर्मा कुंद्रा। अच्छा ओके आपका पूरा नाम है। और किसी का कोई है तो फिर हम कंक्लूड करेंगे इसको। जी रविंद्र जी। सर मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि सर आत्मा को बुलाने से ज्यादा आवश्यक अपनी आत्मा को रियलाइज करना और जागरूक करने की बात है। पुनर्जन्म को हम छोड़िए, हमारा फ्यूचर है। हम उसके दृष्टिकोण से यदि हम भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने कर्मों पर विचारों पर निरंतर चिंतन करें तो स्वाभाविक रूप से भय से दूर हो जाएंगे। तो पुनर्जन्म का मेरे लिए वर्तमान में जो कि हमारी विवेकशील है, अपने विवेक के अनुरूप अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, जिससे कि आपकी जो मृत्यु है सुखद हो जाए। जी जी ठीक है, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी पवन जी सर, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कंक्लूड करेंगे। ये जितना भी डिस्कशन हुआ है आपका माइक, हाँ, जितना भी डिस्कशन हुआ है उसमें दो बातें हैं। अगर पुनर्जन्म है, आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो जन्म होते ही समझ लीजिए, वो तो पुराणों की बात है कि 13 दिन वहां रहे, उसके बाद पिशाच योनि में गए, उसके बाद ये हुआ। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर नेक्स्ट बर्थ मिल ही गया है तो आत्मा को बुलाने का प्रश्न कहाँ उठता है। और दूसरा ये है कि हम तो हर किसी को स्वर्ग में भेजते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, ये प्रश्न उठता है। अब तीसरी बात जो मेरे दिमाग में ये आ रही है कि अगर आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया है और वो हम उससे विरक्त जितना कुछ भी यहाँ करते हैं उसके दाह संस्कार के समय हम 13 दिन का जो है पैरवी करते हैं, उसके दिन हम कहते हैं कि आज से हमारा इस व्यक्ति से नाता बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ तक कि हम दाह संस्कार भी करने जाते हैं, जो पुत्र होता है वो मोह छोड़ने के लिए कपाल क्रिया करता है। तो इसका अर्थ यह कि हमने उसी पल कह दिया कि इसकी स्मृति हमसे छूट गई है। अगर स्मृति छूट गई तो वो भूल ही गया है, तो उसको याद कौन कराएगा। और अगर वो ईश्वर का अंश है तो फिर वो जो है शरीर रूप में तो उसका अब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। तो ईश्वर आता है तो फिर ईश्वर को बुला लो ना, आत्मा को क्या बुलाने की जरूरत है। तो बस ये मेरा एक विचार है। रुचिकर विचार है, लेकिन ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं उलझे हुए और इतने व्यापक हैं, क्योंकि ये विषय बड़े व्यापक हैं, इतना सरल नहीं है। लेकिन बात आपने बिल्कुल सटीक कही है और प्रशंसा के योग्य है। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को कि वो एक संक्षिप्त टिप्पणी जो है इस सारे विषय के ऊपर रखें और आवश्यक रूप से भूत विद्या के बारे में भी एक पंक्ति जरूर कहनी। मेरे अब इच्छा जाग गई है कि इस भूत विद्या के ऊपर भी एक चर्चा रखें। सर मेरे प्रश्न का जवाब हाँ वो डॉक्टर साहब ही दे सकते हैं। मैंने ये पूछा था कि जब व्यक्ति चला बहुत ज्यादा आ रही है, इको बहुत ज्यादा आ रही है ना, किसी भी जन्म में चला गया, उसने 10वां जन्म लिया और लेकिन उसकी पीढ़ी में जैसे आप दादा परदादा बोल रहे हैं, स्वप्न में आके वो कैसे कनेक्ट हो जाता है? अगर वो जन्म ले रहा है, सरवाइव कर रहा है अपने जीवन में, स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, ऑफिस कर रहा है ना, और हम उसका श्राद्ध भी निकाल रहे हैं, वो उसको ले भी रहा है, ये कैसे संभव है कि वो एक दूसरे जन्म में है, हम उसका कर्म यहाँ कर रहे हैं और उसको वो लिंक बैठ रहा है? ये कैसा संबंध हुआ कि वो हमें स्वप्न में भी वो दिखाते हैं कि, और जबकि वो जन्म ले लिया, ऐसा भी है ना, अगर किसी को 50 साल हो गए, जन्म तो ले ही चुका होगा निश्चित रूप से, 200 साल हो गए, लेकिन वो फिर भी स्वप्न में बोलते हम तुम्हारे पूर्वज हैं, वो सिग्नल देते हैं, ये कैसे संभव हो जाता है? ये भी अच्छा एक नया आयाम है, सुंदर प्रश्न है जी डॉक्टर साहब। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत से प्रश्न रखे और वो अलग अलग विषय के आ गए, जिसमें मृत्यु से कम है, पर भी मैं इनको कुछ स्पष्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा संक्षिप्त कर देता हूँ। जो पहला जो प्रश्न था तो वो था कि भाई मृत्यु जो हुई और मृत्यु जो हो गई और हमारे जो मृत्यु जिसकी हो गई उससे फिर संबंध कैसे रहेगा, संबंध टूट जाएगा। पर कहते हैं शास्त्र कहते हैं संबंध टूटता नहीं है और हम मृतक को भूल नहीं पाते हैं, कम से कम 1 साल तक नहीं भूल पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो सपिंडन श्राद्ध होता है वो 1 साल बाद होना चाहिए। 1 साल तक आप अपने पिता को नहीं भूल सकते हैं, कुछ भी कर लें आप, वो हर क्षण याद आएंगे। तो उनको भूलने के लिए हम 1 साल तक करते हैं कि 1 साल बाद सपिंडन श्राद्ध होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि श्राद्ध जो है, श्राद्ध का फल किसे मिलता है? एक प्रश्न है कि श्राद्ध जो किया गया मृतक के लिए उसका फल किसको मिलता है? इसका फल मृतक को कम मिलता है, करने वाले को ज्यादा मिलता है। यानी कर्म मृतक ने किया ही नहीं, उसको फल कैसे मिल सकता है? फल तो मैंने किया, मैंने श्राद्ध किया तो मेरा फल मुझे मिलेगा, मेरे पिता को कैसे मिल सकता है? ये प्रश्न मीमांसा में उठाया गया था कुमारी भट्ट और प्रभाकर के बाद में। तो जो पिंडदान वगैरह होते हैं उनका फल, अधिकतर फल पुत्र को ही मिलता है, पिता को नहीं मिलता है। पिता को उसका कुछ 25% फल मिलता है केवल, क्योंकि उसके नाम पर किया जा रहा है। पुत्र ऐसे कुछ नहीं कर रहा है, पर पिता के नाम पर कर रहा है तो उसको केवल उतना ही फल मिलता है। मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि 4 तरह के कर्म होते हैं, एक कर्ता होता है, एक सहायकर्ता होता है, एक अनुमोदन करता होता है। तो कर्ताओं के जो भेद हैं कि करने वाला मैं हूँ, उस श्राद्ध का फल मुझे मिलेगा, पर जिससे जो मेरे से करवा रहा है उसको भी कुछ फल मिलता है, उसके कार्यता। करने वाला अलग है, कराने वाला अलग है, जिसको मिलेगा वो कुछ अनुमोदन करने वाले और कुछ समर्थन करने वाले सहायक लोग होते हैं। 4 तरह के कर्ता होते हैं, तो चारों का फल अलग अलग होता है। तो श्राद्ध का फल समुचा मृतक को नहीं मिलता, मृतक को उसका चतुर्थांश मिलता है, पर हम उसको अपने लिए ही करते हैं। और अपने लिए इसलिए करते हैं कि उनका जो रूप है, इसमें जो प्राण विद्या है, हमने इस पर मैंने बात नहीं की अभी, क्योंकि समय बहुत 20 मिनट में नहीं बोल सकते थे। तो प्राण जो है, उस प्राण में कहते हैं कि ऋषिभ्यो, मनुस्मृति कहती है कि ऋषिभ्यो पितरो जाता, पितृभ्यो देवदानवा, कि ये जो संसार का जो सृष्टि कर्म है, सबसे पहले ऋषि पैदा होते हैं, ऋषि प्राण होते हैं। प्राण का मतलब, प्राण सब हमेशा बहुवचन में आता है संस्कृत में, एक वचन में नहीं होता है। तो प्राण अनेक प्राण होते हैं, एक प्राण नहीं होता, उसके कई आयाम होते, कई रूप होते हैं। तो जैसे एक ईश्वर है, ईश्वर सभी प्राणियों में कैसे व्याप्त है? जैसे एक राजा है, वो राजा समुदायकारी राज्य से कराता है, पर उसके कितने लोग उसके भाग होते हैं। ऐसे ही इसके प्राणों के अलग भेद होते हैं, कि अलग भेद होने से जो ऋषि होते हैं वो ऋषि प्राण से में ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे पितर बनते हैं। पितरों में फिर क्या होता है कि देव, पितरों से देवता बनते हैं, देवता बाद में आते हैं, पितर पहले आते हैं। तो हम पितर और पितर के बाद में देवता। तो ऋण कितने हैं? तो ऋण, इसमें हम 5 ऋण मानते हैं कि 5 तरह के ऋण होते हैं। मनुस्मृति में कहते हैं कि गार्भिकम बेजिकम से द्विजानाम अपमृज्यते, कि जो हम जब जन्म लेते हैं तो हमें 5 तरह के ऋण मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि जो हमें पिता का बीज मिला, तो बीज हमारा, माता हमारी, इसमें गर्भ धारण किया माता ने, तो उन दोनों के दोष भी हमारे अंदर आएंगे। अगर हम ये माने उनके गुण आए तो दोष भी आएंगे। तो गार्भिकम बेजिकम चैव द्विजानाम अपमृज्यते, उनके निवृत्ति के लिए उन्होंने संस्कार का विधान किया कि आप संस्कार करेंगे। संस्कार क्या करेंगे? तो कहते हैं 5 तरह के जो हमें यज्ञ करने पड़ेंगे, यज्ञ और महायज्ञ, 2 ही चीज गीता में कहेगी कि यज्ञ सबसे बड़ा कर्म है। यज्ञ कर्म के अलावा सभी कर्म बंधन करते हैं, सभी मृत्यु प्राप्त करते हैं। यज्ञ कर्म अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन है। यज्ञ कर्म के अलावा सभी कर्म बंधन कारक होते हैं। यज्ञ कर्म क्या है? तो यज्ञ में उन्होंने कहा कि जो देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, और पहला उन्होंने ऋषि यज्ञ कहा कि ऋषि यज्ञ जो है जिनसे हमारा प्राण बनते हैं। ऋषि यज्ञ का अर्थ ये है कि हमें जो ज्ञान मिला वो ज्ञान उनसे ले लिया, उसका ऋण है, उसको चुकाएं कैसे। तो अब मैंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, अब मैं गुरु को तो दे नहीं सकता वापस, उसको चाहिए भी नहीं, तो मैं आने वाले लोगों के लिए इस ज्ञान को दूं। यज्ञ का मतलब यह है कि जो ज्ञान मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ उस ज्ञान को मैं प्रदान करूं, उसे कहते हैं अध्यापन वृत्ति, हम ज्ञान का प्रसारण करें। तो पहला इसको ऋषि ज्ञान कहते हैं। ऋषि प्राण जो आते हैं हमारे अंदर, तो हम ज्ञान जो भी मिला हम आगे देते रहे। ऐसे ही वो कहते हैं हमें पिता से शरीर मिला, पिता और माता से शरीर मिला, उनको उनके माता पिता से मिला, उनके माता पिता से मिला, इससे कहते हैं सात पुरुष का हमारे अंदर अंश आता है। यानी पिता जो होते हैं, पिता और माता से महाभारत में इसकी लिस्ट दी गई है कि पिता से हम क्या क्या चीज आएंगी, माँ से क्या क्या चीज आएंगी, और उनके उनके माता पिता से आएंगे, उनके उनके माता पिता से आएंगे। तो कहते हैं कि तीन जो पीढ़ी होती है, पिता, पितामह, परपितामह, तो ये हमारे पितर कहलाते हैं। ये मेरे पितर हुए। ऐसे ही मेरी जो माता है, मातामह, परमातामह, वृद्ध परमातामह, ये छह हमारे पितर कहलाते हैं। और इन छह पितरों का हम श्राद्ध करते हैं कि इनका अंश से हमने शरीर धारण किया, इनका हम ऋण चुकाएं तो हम मनुष्य होंगे। जो ऋण चुका दे वही मनुष्य होता, बाकी मनुष्य नहीं होते। तो ऋण जो पहला ऋण जो है वो पितृ ऋण है, दूसरा ऋण ऋषि ऋण है। तो ऋषियों का ऋण जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को हम वापस वितरित करेंगे तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तीसरा जो यज्ञ है तो वो कहते हैं ज्ञान, तीसरा देव ऋण है। देवता का ऋण का यह क्या है कि हम जैसे सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये देवता अगर वायु देवता नहीं होती, वायुमंडल नहीं होता तो हम जीते कैसे? तो वायु पर कृपा कर रहा है। हम जल पी रहे हैं वरुण देवता की कृपा से, तो जल नहीं पीते हम कैसे जीते? तो जल को हम कैसे वापस लौटाएं, हम जल को वापस कैसे करें? हमने जो वायु ली है फ्री में, हमने अग्नि ली, हमने पृथ्वी ली, तो ये सब हमारे जो देवता हैं, इनसे जो हमने ग्रहण किया। इसके लिए उनका कि यज्ञ होता है देव यज्ञ, कि देवताओं को हम आहुति देते हैं और होते हैं और वो हमें हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो वो देवता हमें परस्परम भाव से परम वापसित है कि परस्पर हम कल्याण करते हुए जो है वो कल्याण को प्राप्त करते हैं। और यज्ञ कर्म ही प्रधान कर्म गीता सिद्ध करती है कि यज्ञ कर्म में जो देव यज्ञ है वो हमें देव ऋण से मुक्ति करेगा। अब पितृण से मुक्ति के लिए हमने कहा कि पितृण से मुक्ति कैसे होगी? तो केवल पिंडदान से नहीं होती। उनका जब तक हम पैदा हुए हम किसी को पैदा नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं होगी। याज्ञवल्क्य कहते हैं देहा विवाह क्यों होता है? तो लोग कहते हैं लोकांत्य प्राप्ति संति पुत्र पौत्र प्रपौत्र के, कि इस लोक से हमारा परलोक, मतलब हम दिव्य लोक को जाएं, इसके लिए दबी होगा जो हमारी संतानें चलती रहेंगी, हमारा पुत्र पौत्र प्रपौत्र होगा। इसलिए वो कहते हैं कि विवाह किया जाता है। विवाह कोई कामना या सेक्स के संतुष्टि के लिए नहीं होता है। तो लोकांत्य दिव्य प्राप्ति संति पुत्र पौत्र प्रपौत्र गई, कि हमारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र बनेंगे तो हमारा जो पिता का ऋण था, माता का ऋण था, वो हमारा चुक जाएगा। तो पितृण इसलिए होता है कि हम पितृण करें। तीसरा जो तीन ऋण मैंने बताया आपको, देव ऋण, मनुष्य ऋण, फिर मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण ये है कि मैं किसी, कोई मेरा भला करा, मैं पूरे जीवन में पता नहीं कितने लोगों ने मेरा भला किया, उनके प्रति मैंने उनको वापस छोड़ दिया क्योंकि उनको मैं दे ही नहीं सकता। मेरे गुरु ने मेरे को जो पढ़ाया या मेरे किसी ने सहायता की, अब वो मेरे से सहायता वापस थोड़ी लेगा, तो वो मेरे पास रहेगी, उसको मैं कैसे दूं? तो कहा कि मैं मनुष्य के रूप में नृयज्ञ अतिथि पूजनम, मनुष्य यज्ञ उस यज्ञ को कहते हैं जिसमें अतिथि का स्वागत किया जाए, जो भी आपके पास आ जाए उसका आप स्वागत करें। और अतिथि सेवा जो चौथा, जो उन्होंने कहा कि चौथा यज्ञ ये है। और पांचवा यज्ञ उन्होंने कहा कि जो पांचवा यज्ञ है, संसार में जितने पशु पक्षी हैं ये भी हमारा भला करते हैं। गाय से हम भला कर रहे हैं, गाय हमें दूध दे रही है, हम उसको कुछ दे थोड़ी रहे हैं, खाली घास खिला रहे हैं। तो हम ऊंट से फायदा ले रहे हैं, मनुष्य से, सब जीवों से। दीमक भी हमें फायदा करी है, किसान को, वो मिट्टी को सही कर देती है। तो उन सब काम कैसे लुटाएं? तो उन्होंने कहा कि पंचबली इसमें होती है। तो पंचबली का उन्होंने विधान किया कि गोग्रास, गो का ग्रास दें, कौवे को ग्रास दें, यानी कुत्ते को दें, और जितने भी योनियां हैं, देवा मनुष्य पशो वियांक्षी यक्षा सिद्धो रग दैत्य संघा प्रेता पिशाचा सर्व समस्ता, जो प्रेत पिशाच इनको भी हम दे, ये मेरे से अन्य की चाहते हैं क्योंकि मैंने इनसे कभी लिया था, वो प्रेत बन गया, मान लीजिए जिससे मैंने लिया वो प्रेत बना हुआ, तो उसके लिए भी मेरे को देना चाहिए। तो कहते हैं उनके लिए भी आहुति दी जाती है। तो ये इस तरह से। और बाकी जो जीव है, पिपिलिका यानी चींटी मकोड़े आदि, पिपिलिका कर्म, तो ये सब जो कीड़िया मेरे माँ बाप भी बन सकते हैं, किसी के बन सकते हैं। तो पिपिलिका कीट पतंग गाधा भुक्षिता कर्म निबद्ध, कर्म के जाल में फंस करके जो हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग बन गए हैं, कीड़ी मकोड़े बन सकते हैं, उनके लिए भी पंचबली कहलाती है। पंचबली तो कहते हैं याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क स्मृति में कि महायज्ञ से यज्ञ से क्रियते ब्राह्मी यम क्रियते तनु, कि यज्ञ से और महायज्ञ से दो चीज होती है। यज्ञ तो एक हुआ सामान्य बात, पर महायज्ञ कहा इन दोनों का, ये यज्ञ जो से बड़ा महायज्ञ होता है, ये पांच महायज्ञ कहलाते हैं कि देवयज्ञ मनुष्य यज्ञ पितृयज्ञ। तो पांच यज्ञ करने पर आदमी अपने शरीर को ब्रह्ममय बना लेता है। ब्रह्ममय बनने के लिए हमें इन पांच यज्ञों को करना चाहिए। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, कोई कितना भी ज्ञान कर ले कि हमने गीता पढ़ ली उससे मुक्ति होगी, उससे मुक्ति नहीं मिलती है। कि ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, कितने दर्शन पढ़ लो उससे मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान के साथ में उसका आचरण होता है, तो उसको कहते हैं कि समुच्चय वेद पढ़ने पर भी कोई व्यक्ति अगर आचारहीन है, आचारहीनम न पुनंति वेदा, कि आचार सहीन है तो वो उसको वेद पवित्र नहीं करते। आपका आचरण सही नहीं है तो उसके कर्म भी जाते हैं, खाली उसके शब्द नहीं बचते मृतक के, उसके कर्म भी बचते हैं। उनके कर्मों को भी लोग गुणगान करते हैं, जब तक उसकी कीर्ति रहती है वो जीवित रहता है। तो उसके ज्ञान पक्ष, उसका कर्म पक्ष, तो ये बहुत से पक्ष जिंदा रहते हैं, और उसका आचरण तो ऐसे है। और वो जो 84 कलाएं हैं, 84 कला के अनुसार भगवान कहते हैं कि मैं भागवत में वो कहते हैं कि भाई मैं सब मनुष्य मेरे अवतार हैं, और कितने अंशावतार हुए कितने क्या है उनकी लिस्ट अलग अलग है कि मैं सबके अंदर में ही हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ी निमाया, कि मैं सब प्राणियों के हृदय में मैं ही बैठा हूँ। तो जब जीव जो है प्रत्येक जीव में भगवान खुद लास्ट में अंत में कह रहे हैं, अंत में कहने का अर्थ ये निष्कर्ष है, सिद्धांत पक्ष है। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं सब के अंदर मैं ही हूँ और मैं उनको जैसा उनको घुमाना होता उनको घुमाता हूँ। तो भगवान जो है उन सब प्राणियों को घुमाते हैं, और वो घुमाते हैं। अब जो लोग सोचते हैं कि भाई ये मेरा जन्म है मैं इसको याद करूँ आगे, इसको याद करना नहीं होता। क्यों नहीं याद करना होता है? पिछले को भी याद नहीं करना होता, उनको भूलना ही होता है। हम दिन भर जो काम करते हैं अगर उनको याद रखें पागल हो जाएंगे। शिव गीता में वो कहते हैं कि मैं रात को नींद बनती हूँ, निद्रा रूपिणी भगवती निद्रा रूपिणी क्यों बनती है? तो वो कहते हैं विष्णु की जो निद्रा आती है तो निद्रा इसलिए आती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और वापस रिफ्रेश हो जाऊं। जो भी मैंने किया उनको भूलना पड़ेगा। अगर मैं उन कर्मों को याद रख रही हूँ तो भगवान का याद रहेगा। तो भगवान को याद करने के लिए हमें जो भी करते जाएं उनको ब्रह्मार्पण करते जाएं और उनको छोड़ते चले जाएं। उनको याद करने की जरूरत नहीं थी, वो सब ब्रह्मार्पण हो जाता, वो मेरे द्वारा नहीं किए गए। अगर हम ये मानते मैंने किया तो हम समस्या में फंसते हैं। आपको तो मुझे चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला वही है, और ऐसा जब भाव आ जाए तो वही अमृत तत्व है। अमृत तत्व का अर्थ है कि अब वो मेरा है ही नहीं, तो फिर मैंने अपने अहंकार को नष्ट कर लिया, मैंने मन को नियंत्रित कर लिया। और गीता लास्ट में कह देती है कि ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन् यः प्रयाति तदं देह स याति परमां गतिम्। ओम ओम यानी जो हंस हंस का जो ध्वनि हो रही थी वो ध्वनि से मैं जीव कहलाता हूँ, और वो जीव ध्वनि को हम उल्टा बोलेंगे तो सोहम में से हमने स को और हा को हटा दिया तो वो ओम बसता है। तो ओम जो है ये सब विद्याओं का मूल है, वेदों का सार। ओम को इसीलिए बताया गया, ये गीता विधिवत बताती है कि अमृत का मार्ग ये ओम है, और ओम को प्राप्त करने के बाद में ओम सबका बीज है, सब मंत्रों का बीज ओंकार है, तस्वास का प्रणव है। कहता है कि ओम सब विद्याओं का मूल बीज है और सब चीज संसार ओम से पैदा हुआ, ओम से पैदा हुआ, वो उसमें ब्रह्मा विष्णु और ये पंचकृत्य कहलाते हैं, और इनके द्वारा हमारा उपाय हो जाए। तो ये ओम के जो उपासना है यही हमें मृत्यु अमर बनाती है। अब प्रत्येक सांस का ओम लेते भी हम जानते नहीं। अहंकार हम लोग ओम बोल रहे हैं। हंसो की मंत्र जीवो जपति तत्वतः, कि हंस हंस मंत्र बोलते हैं हम साथ, पर हम जानते नहीं है। संकल्प मात्रेण नरो मुच्यते बंधनात्, कि मनुष्य बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो वो अमरता का प्राप्त का जो सिद्ध अलग है। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग के कई भेद हैं, एक इस संसार में भी स्वर्ग है। आप अपने घर में बड़े बढ़िया मकान बना के बैठे हैं, सब साधन जुटा लिए, अमेरिका के तो वो स्वर्गिक वो लौकिक सुख है, वो लौकिक स्वर्ग है। एक सुख हमारे तिब्बत को भी स्वर्ग कहा गया है कि तिब्बत जो है वो देवताओं का प्रदेश है, वहाँ एकदम शांति स्वच्छता निर्मलता मिलती है और वहाँ के लोग देखने में, तो वो भी सुख है। एक तो भूमि का स्वर्ग अलग है, आकाश का स्वर्ग अलग है। और जो स्वर्ग अभी उपाध्याय जी ने बताया कि हम सूर्य को कहते हैं कि सूर्य जो है वो स्वर्ग है। भू हुआ स्व, ये जो तीन तत्व है, इन तीन तत्व में भू जो है वो मृत्यु लोक कहलाता है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब नाशवान होगा, उसको जाना ही पड़ेगा। चंद्रमा पर जो तत्व है वो अमृत तत्व है। चंद्रमा में 16 कलाएं होती है और उसको पीयूष चंद्रमा के लिए सब प्रयोग होता है कि भास्कराचार्य अपने सिद्धांत शिरोमणि में कहते हैं ऐसे पीयूष पिंड दिनकर दिशि चंद्र चंद्रिकाभिश्चकास्ति, कि चंद्रमा जो है वो पीयूष पिंड कहलाता है, उसमें 16 कलाएं हैं अमृत की, और वो अमृत तत्व चंद्रमा से आता है। सूर्य में मृत और अमृत, जो वेद का मंत्र आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन, तो उसमें मृत और मृत, जो सूर्य का भाग हमारी ओर दिखता है वो मृत है, उसके भाग अमृत है। तो मृत्यु अमृत और ये तीन जो तत्व है, मृत्यु जो है वो मृत्यु अमृत करेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। साथ में यज्ञ और महायज्ञ करने पड़ेंगे, यही अमृत तत्व का निधान करते हैं कि जो हमारे यज्ञ तप और दान, गीता में जो कह रहे हैं यज्ञ तप और दान, ये तीन ही चीज हमें जो है उसको उस लोक को ले जाती है, बाकी कोई चीज नहीं ले जाने वाली, बाकी सब बंधाने वाली है, नीचे से नीचे गिराने वाली, और उससे हमें तरह तरह के जीव जंतु बनना ही पड़ेगा। हम जैसे इच्छा करेंगे, अगर मान लीजिए हम मतलब तो अगले जन्म में हमें शिकारी के घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि मांस तो वही मिलेगा मुझे। मैं खटिक के घर में जन्म लूंगा, मांस काटा जाएगा, वही मेरा जन्म होगा। अगर मेरी इच्छाएं, तो इसलिए इच्छा जो है, इसलिए कहा कि मन जो है, हमारे मन में अगर सद्भावना रहेंगी और हम ये इच्छा करेंगे तो हम उसी लोक को प्राप्त कर लेते हैं। और अमृत तत्व चाहिए, तो आप अमृत तत्व चाहिए तो आप ब्रह्म की उपासना करें, और सांसारिक तत्वों की विज्ञान की बात करेंगे, वही बनेंगे अगले जन्म में, वो कहते हैं वो। इसलिए पुराणों में सूची दी गई है, इस कर्म का ये फल है, ये जन्म है। तो 84 लाख करेंगे। मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना, महाभारत में कहते हैं न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से कोई श्रेष्ठ योनि नहीं है, क्योंकि मनुष्य तभी बनता है जब पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं। उस व्यक्ति के पाप पुण्य बराबर होने पर मनुष्य योनि मिलती है। पाप अगर अधिक है तो अन्य में जाएगा, अगर उसके पुण्य अधिक देवता बनेगा और स्वर्ग में जाएगा, फिर वापस आएगा। इस तरह से हमारा सृष्टि कर्म है, ये आपस में बना हुआ है। इसी के साथ जितने भी दिग्गज हैं उन सबको मैं प्रणाम करके अपने इसको बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, ये अवसर दिया आंगिरस जी ने, उसके लिए उनका सादर धन्यवाद। जिन लोगों ने जो प्रश्न उठाए तो वो कर सकते हैं, मैं बाद में भी इस पर कर सकता हूँ कोई विषय पर। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आपका है, और आपने जिस तरह से नए आयाम हमारे सामने उपस्थित किए हैं इस विषय के, वो हमारे लिए अत्यंत विचार के योग्य हैं, और कई पक्ष उभर कर आए हैं, तो उन पे हम चर्चा करेंगे, इसको अग्रसर करेंगे। और भी कई सारी बातें आई हैं, तो इससे पहले कि मैं डॉक्टर रेणुका ध्यानी जी को, जो कि कन्वीनर हैं इस वेबिनार की, उनको धन्यवाद के लिए बुलाऊं, आमंत्रित करूं, रविंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र गुप्ता जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है कि आपने कुछ कहना है, तो फिर उसके बाद डॉक्टर रेणुका जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। नहीं, ठीक है। डॉक्टर रेणुका अगर आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप वोट ऑफ थैंक्स, रिक्वेस्ट यू टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। हां जी, सबको नमस्कार। इतने प्रबुद्ध विद्वानों के मध्य में अकादमिक कर्मा के हर सत्र में अपने आप को अपने सीमित ज्ञान के कारण अनुपयुक्त महसूस करती हूँ, और जब विषय ऐसा हो जिस पर मेरे जैसे सामान्य लोग, जो कि इस विषय को जितनी देर तक स्थगित या विलंबित कर सकते हैं करते हैं, तो मैं अपने ये जो धन्यवाद ज्ञापन संप्रेषित करना कर रही थी उसमें थोड़ा सा झिझक रही थी, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस मैंने सुने आज, तो वो बहुत ही हमारे लिए फर्स्ट हैंड है, ये जो कई चीजें तो जो पहली बार हम सुन रहे हैं। परंतु प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी के ज्ञान एवं पौराणिक संदर्भों से परिपूर्ण वक्तव्य ने 5 तत्वों के बने इस शरीर के विषय में हमारे ज्ञान की वृद्धि की है। और साथ ही साथ मैं अपने बारे में कहना चाहूंगी कि मृत्यु जैसे भयावह, क्योंकि हम डरते हैं, हम इस विषय पे सोचने से भी डरते हैं, हम जैसे सामान्य लोग, तो इसके प्रति जो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न की है, तो हम उसको आगे देखेंगे कि हम किस तरह से इसको लेते हैं। आज बहुत सारे आयाम जो है आप लोगों ने हमारे सामने खोले हैं, तो हम चाहेंगे, तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं सर आपका, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। और माय थैंक्स टू डॉक्टर रितु शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, DAV कॉलेज चंडीगढ़, for sharing her personal experience with her and the connection with her father that she derived from this experience. और जो उन्होंने share करके एक तरह से sharing से उन्होंने अपने grief को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है. And may God give her the strength to get over this irreparable loss. And I extend my heartfelt thanks to Dr. Rajshree Vasudevan. Vasudevan. She is the founder of the Spand Abhinav Holistic Initiative, Chennai, for sharing such an incredible. ये तो हमारे लिए पहली बार था कि एक हम उस पर्सन से इंटरैक्ट कर रहे हैं जिसने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है. तो ये तो हमारे लिए पहली बार, मतलब कि बहुत कम लोगों को ये अनुभव होता होगा. तो इस अनुभव के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं. और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक याद आया था, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम जब साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म करते हैं तो वहां पर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है. तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये है कि आपकी जो आपने वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं आपके साथ लेकिन आपको लगता है कि ये हमारे साथ हुआ है, एक तरह से दर्जा तरह की वो फीलिंग भी होती है. बट ये कहा जाता है कि आपकी जनरेशंस में किसी ने एक्सपीरियंस किया था एंड इट हैज बीन पास over to you. तो ये जो सारी चीजें, वही क्या चीज मरती है क्या नहीं मरती है, तो वो चीजें जो कंटिन्यू होती हैं. और जिन विद्वत लोगों ने आज हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया है. और किस तरह से कितनी आयामों में लोग सोच सकते हैं उसमें हम पहली बार, मुझे तो अनुभव हुआ है. और माय थैंक्स वुड नॉट बी इनफ टू डॉक्टर आशुतोष अंगिरस, जो हमें बार बार ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मुझे और हमारे कॉलेज को, इस तरह के इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ने के लिए. तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आज ही के टॉपिक से बहुत से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आगे निकल कर आ रहे हैं जो मुझे लगता है सर अभी आगे भी कंटिन्यू करेंगे. सो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. सर आप म्यूटेड हैं अभी, आप अनम्यूट नहीं हुए. धन्यवाद मैडम रेणुका. और इससे पूर्व की सभा को विसर्जित करें यहीं पे, आपके लिए आगामी सूचना मैं देना चाहता हूं कि 22 तारीख को प्रोफेसर डॉक्टर बीके कॉल, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ही विल बी डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन संस्कृत शास्त्रीय क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिस्ट. So on 22nd we will meet again with this topic. और साथ ही साथ next upcoming जो issues रहेंगे उनमें consciousness और कुछ physics और chemistry, इनके मिले जुले से कुछ विषय हैं जिनको हम जल्दी लेंगे. तो कृपया आप लोग साथ जुड़े रहें. और most probably शायद हम लोग बहुत जल्दी इसकी website launch कर पाएंगे. मैंने काफ़ी व्यवस्था कर ली है, तो hopefully इसको मैं next week में शायद launch कर पाऊँगा. रवि जी आपने जो कहा था तो मैं अभी तक उसमें सफल नहीं हो पा रहा था, बट होपफुली बाय नेक्स्ट वीक आई विल बी एबल टू डू दिस. और मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग कृपया अपने विषयों को मुझे अवगत कराएं, ताकि आप लोगों के जो ज्ञान है, आप लोगों के जो अनुभव हैं, उनको हम ले सकें, जिससे कि हमारी परंपरा, ज्ञान परंपरा जो है वो समृद्ध हो, सुप्रतिष्ठित हो और प्रभावी हो. यही इच्छा है. तो इसलिए कभी संकोच ना करें, जो भी आपको ज्ञान है, जैसा भी आप कहना चाहते हैं, जो भी विषय चाहते हैं, वो आप लें. और एक अंतिम निवेदन मेरा ये है कि ये सारे विषय मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं भी बड़ा संक्षिप्त हूँ और लिमिटेशंस हैं एनर्जी की भी और सब बातों की. तो यदि आप में से कोई उत्साह कर सकता है, थोड़ा सा इनिशिएटिव ले सकता है, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, लोक उद्यम है. ठीक है ना, लोक वृत्ति का निर्माण होगा तो उससे लोक उद्यम करने की क्षमता हमारे में आएगी. तो यदि आप में से कोई करना चाहता है तो प्लीज़ उस विषय को लें, आयोजित करें, और हम सभी का सहयोग आपके साथ भी रहेगा. तो ये केवल मेरा ही दायित्व नहीं है, आप लोगों का भी है, क्योंकि हम सभी ने ये एक तरह का दायित्व स्वीकार किया है कि इस ज्ञान परंपरा को हम समृद्ध करेंगे, सुप्रतिष्ठित करेंगे और प्रभावी बनाएंगे. तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबके ज्ञान के प्रति विनम्र भाव से उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं खुद बड़ा कंफ्यूज था. जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो विषय है, इसमें जो दो प्रश्न हैं, मुझे अभी भी ये स्पष्ट नहीं हुए, मैं सच बताऊँ तो आपको. और बहुत सारे ज्ञान की बातें मेरे सामने आ गई हैं, लेकिन वस्तुतः हु डाइज एंड व्हाट डाइज ये अभी भी मेरे में है, इसको मैं फिर चर्चा में लूँगा। और मैडम वासुदेवन, आपसे ये निवेदन है कि जो डांस के ऊपर आपके साथ एक बहुत पहले बात हुई थी, नृत्य और नृत्य के ऊपर, वो जब भी आपकी सुविधा है तो कृपया आप मुझे बताएं, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा प्रिय विषय है और मैं उसको जानना और समझना चाहता हूँ। और नटराज की ओर से भी, लास्य की ओर से भी और तांडव की ओर से भी उसको लेकर। जी 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 हाँ, तो आप जब सुविधा है तो आप मुझे कृपया बताइएगा, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कृपया धन्यवाद कराते रहें। थैंक यू मैडम, इतने विस्तार से बताने के लिए आपको सादर प्रणाम, धन्यवाद जी, थैंक यू। ठीक है एवरीवन, और आप लोग अपना ये फॉर्म भर दीजिएगा, मैडम रेणुका ने शेयर किया है उसमें, तो प्लीज अपना फॉर्म भर दीजिएगा, सर्टिफिकेट आप लोगों तक आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।